श्रीमद् भागवतम के 20वें श्लोक की चर्चा करी थी। प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय की उसको पुनरावलोकन देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ कौन कौन से अलौकिक कर्म किए। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अति मर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुष। मनुष्यों के लिए जो हमेशा मरणशील हैं, ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार के कर्म करना असंभव था जो भगवान ने संपादित किए। भगवान मनुष्य के समान कपट या धोखा कर रहे थे, अपने को छुपाए हुए थे। जब तक भगवान के प्रति भक्ति नहीं होगी, कोई समझ नहीं सकता कि वे भगवान हैं, यद्यपि वो सामने भी क्यों ना हो। अति मर्त्यानि अलौकिक अप्राकृत दिव्य कर्म समूह जो लोक में कोई मनुष्य नहीं कर सकता, जैसे गिरिराज उठाना, रासलीला, द्वारका महल का निर्माण एक ही रात में, कालिया दमन, अघासुर, पूतनावध आदि अनेक अलौकिक कार्यों को भगवान ने किया। परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण निराकृति में हैं, देखने में मनुष्य जैसे लगते हैं लेकिन वे मनुष्य नहीं हैं। उनके कर्म मनुष्य जैसे हैं। माता यशोदा जब उन्हें रस्सी से बांध देती हैं, ग्वालों के साथ खेल में हार जाते हैं, बछड़ों के द्वारा घसीटे जाते हैं, माखन चोरी करते हैं, यह लीला देख करके कोई सोच सकता है कि ये तो सामान्य मनुष्य जैसे हैं। श्रवण नाम जब भक्ति करेंगे तो विश्वास कृष्ण पर अधिकाधिक बढ़ेगा और समझ में आएगा कि जिस इस जगत में जिस किसी पर भी विश्वास कर रहे हैं वह आश्रय देने में समर्थ नहीं है। इंद्र, शिव जी, ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो जाते हैं कि भगवान की अद्भुत लीला से। सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान, शाश्वत स्वयं प्रकाश ज्ञानमय आनंद घनीभूत भगवान श्री कृष्ण मनुष्य न्याय से लीला किए जैसे मनुष्य के लिए उचित है, लेकिन फिर भी उनकी लीलाएं मनुष्य की मर्यादा का अतिक्रम करने वाली थी। उनका श्री विग्रह अप्राकृत यानी चिन्मय है, किंतु भक्तों के हित के लिए 10,000 राजाओं को बचाने के लिए जरासंध आदि मनुष्यों के पास ब्राह्मण का वेश धारण करके प्रार्थना किए, यह उनका कपट मात्र था। गोपीजन अप्राकृत भक्त हैं तो भी उनसे कपट किए उनका प्रेम बढ़ाने के लिए, प्रेम विलास के लिए वेणुनाथ से आकृष्ट गोपीजन के निकट मनुष्य के समान धर्म का उपदेश दिया। भक्त प्रेम के कारण मोहित हो रहे हैं और अवसर अविद्या के कारण मोहित हो रहे हैं, इसलिए वस्तुतः भगवान किसी से कपट नहीं करते। का मतलब ब्रह्मा जी और ईश मतलब शिव जी, और इनको भी अपने ऐश्वर्य से सुख देने वाले हैं भगवान, इसलिए भगवान को केशव कहा जाता है। उन भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ जो पराक्रम किए हैं उनसे हम विशेष रूप से तृप्त नहीं हो रहे, अधिक अधिक सुनना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की दिव्यता को समझें, यही यदि समझ लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, इस बात की बोल करके यहाँ पे रुके थे। अब हम आज का श्लोक देख रहे हैं। मेरे पीछे कोई बोलिए, करना मित्रो कैन चैंट आल्सो, इज अ गुड चैंटर। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय 21वां श्लोक। कलिमागतमाज्ञाया क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीन दीर्घ सत्रेण कथायां सक्षेण हरिः कलिमागतमाज्ञाया क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घ सत्रेण कथायां सक्षेण हरिः कलिमागतमाज्ञाया क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घ सत्रेण कथायां सक्षणा हरिः बोलिए। कलिमागतमाज्ञाया क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घ सत्रेण प्रत्यायां सक्षणा हरिः ओके नो प्रॉब्लम। कलिम आगतम आज्ञाया, कली को आया हुआ जान करके, समझ में आ रहा है। क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम्, अस्मिन् क्षेत्रे इस क्षेत्र में, कैसा क्षेत्र है? वैष्णवे क्षेत्र। नैमिषारण्य को वैष्णव क्षेत्र कहा गया था ना, भगवान विष्णु का क्षेत्र, भक्तों का क्षेत्र, जहां पे कोई भी पूजा करने से राक्षसों का बल कम होता है।
ये वहां बताया गया था नैमिषे निमिषात क्षेत्रे रशिहा शौनकादया, वहां के श्लोक में इसकी व्याख्या की गई थी। आसीना, हम लोग बैठे हैं। आसीना दीर्घ सत्रेणा, दीर्घ सत्र में, लंबे सत्र के लिए बैठे हैं। कौन सा सत्र है, क्या करने वाले हैं? कहते हैं कथायाम, भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। सक्षणा हरे, क्षण समझते हैं, क्षण मतलब होता है समय। सक्षण मतलब सारे क्षणों के साथ, अब हम सारा समय भगवान की कथा को सुनने के लिए ही दीर्घ सत्र के रूप में बैठे हैं। बहाना तो दीर्घ सत्र का इसलिए था, दीर्घ सत्र का बहाना ये था कि हम यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन वस्तुतः आप जानते हो कि यज्ञ को उन्होंने स्वयं बंद किया। क्यों? क्योंकि वो कथा को सुनना चाहते हैं। तो यज्ञ करना तो मात्र एक बहाना है, हम तो भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। इसलिए सक्षणा हरे, भगवान को, भगवान की कथा को हम लोग, भगवान श्री हरि की कथा को हम सुनना चाहते हैं। कथायाम हरे सक्षणा, हरे भगवान की कथा को हम सारे क्षणों के संग सुनना चाहते हैं, मतलब पूरा समय कथा में ही लगाना चाहते हैं, ये कह रहे हैं। समझ में आ रहा है श्लोक? कली को जानते हुए, कली ये जानते हैं, कलिम आगत, आगत समझते हैं, आ गया है, आगत है, आ गया है, कली आ गया है, आ गया है, ये जानते हुए क्षेत्र अस्मिन वैष्णवे वयम, हम सब वैष्णव क्षेत्र में बैठे हैं, हम सब लोग बैठे हुए हैं, कोई छोड़ नहीं रहा है। वयम का मतलब हम सब लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ लोग बैठे हो, कुछ और, कोई बाकी लोग कुछ और काम कर रहे हो, ना, हम सभी लोग बैठे हुए हैं। आसीना दीर्घ सत्रेणा, इस दीर्घ सत्र को लेके बैठे हुए हैं जो लंबा हजार साल तक चलने वाला है। क्या करना चाहते हैं आप? तो कह रहे हैं कथायाम हरे, भगवान हरे की कथा को सुनना चाहते हैं। तो कुछ समय सुनेंगे, कुछ और कार्य करेंगे? कहते ना, सक्षणा, सक्षणा अर्थात सारे क्षण हम भगवान की कथा में ही लगाना चाहते हैं। यह एक सक्षणा का अर्थ है, बड़ी प्रसन्नता से सुनना चाहते हैं। ये नहीं कह कहें कि अब कहाँ फंस गए, कथा क्यों सुनने को पड़ रही, कुछ और महत्वपूर्ण कार्य कर लेते, ये नहीं, बड़ी प्रसन्नता से कथा सुन रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, ये सब अर्थ आप जानते हैं, अब तो अभ्यस्त हो गए होंगे। एक ही शब्द के कई कई अर्थ होते हैं भागवत में, संस्कृत में। अनुवाद, यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। स्पष्ट है कौन सा यज्ञ? यज्ञ मतलब होता है भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य, तो कथा यज्ञ में लगे हैं। कथा ज्ञान यज्ञ जैसे आप बोलते हैं, सही बात है, कथा ज्ञान यज्ञ, कथा के द्वारा भगवान का ज्ञान होता है, वो एक यज्ञ है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यह भी आप आगे देखोगे भी कि शौनक आदि, शौनक ऋषि ही स्वयं कुलपति थे, 10,000 ब्राह्मणों को मेंटेन करते थे। तो समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप सकते हो ना, वाइस चांसलर बोलते हैं ना, चांसलर बोलते हैं यूनिवर्सिटी के चांसलर, उसी प्रकार से बहुत सारे ब्राह्मण उनके अंडर में सेवा, मतलब पढ़ाई करते थे, तो कितना उनके ऊपर दायित्व होगा। फिर भी उसको त्याग करके, एक तरह से कहें त्याग करें, तो पढ़ा नहीं रहे ना शौनक ऋषि, हजारों साल तक केवल भगवान की कथा सुनने के लिए सारे क्षण लेकर के आए हैं। कितना महत्वपूर्ण है भगवान के बारे में श्रवण करना, आप समझ सकते हैं। इतने 88,000 ऋषि, वयम का मतलब समझने, वयम भी समझ लेना चाहिए, वयम मतलब ये नहीं कि दो चार ऋषि, ये पांच ऋषि या 10 ऋषि या 100, 88,000 ऋषि को एक साथ जोड़ करके बोल रहे हैं वयम, हम सब, और किसी के पास कोई और काम नहीं था, कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा था। सोचिए 88,000 लोग, क्वाइट अमेजिंग इज इट नॉट, कितने डिसिप्लिन होंगे वो लोग, कितना सुनने का उनका आग्रह होगा। और ये मत पूछिएगा कि प्रभु जी स्पीकर कौन सा लगा था, ये सब प्रश्न करते हैं, कैसे सुन लिया सबने, ये सब प्रश्न हमें नहीं करने चाहिए, वो सुन रहे हैं सब लोग। नहीं तो भागवत में होता, कोई बोलता अरे भाई कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, यह श्लोक भी होता, लेकिन ऐसा श्लोक नहीं लिखा गया भागवत में कि कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, सबको सबको ठीक से सुनाई पड़ रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात समझना होगा कि कलयुग प्रारंभ हो चुका है, ये जान रहे हैं, इसका अर्थ है कि कथा के अलावा, भगवान के नाम जप के अलावा, भक्ति के अलावा अब कोई और साधन नहीं चलेगा, ये हम समझ गए हैं, इसीलिए कथा ही करने वाले हैं, कथा ही श्रवण करना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना, भली बात जानकर का मतलब क्या हुआ, अच्छे से जान गए हैं कि कलयुग सारे साधनों को दोषपूर्ण करके उनकी इस शक्ति को नष्ट करने वाला है, लेकिन भगवान हरि की कथा, उनका नाम, इसको कली नहीं जीत सकता है, इसलिए कथा का ही आश्रय ले रहे हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है? ओके, सारार्थ दर्शनी में लिंक बता रहे हैं। मान लो सूत गोस्वामी एक आश्चर्य प्रस्तुत करें, क्योंकि अभी क्या, अभी तक क्या बोल रहे हैं, वयम तु ना वितृप्याम, हमें तृप्ति नहीं हो रही, हमें तृप्ति नहीं हो रही कथा में। तो मान लो एक आश्चर्य प्रस्तुत करें, परंतु
आप याज्ञिकों का, याज्ञिक मतलब जो यज्ञ करने वाले हैं, याज्ञिकों का इस प्रकार कृष्ण यश को श्रवण करने की उत्सुकता तो अति विचित्र है। हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आप तो बड़े मनयोग से यज्ञ कर रहे थे और अब आप कह रहे हो कि हमें कथा सुनने की बड़ी उत्सुकता, ये तो बड़ा विचित्र लग रहा है। तो इस पे शौनकादि ऋषि कह रहे हैं सत्य है, ये सत्य बात है कि हम लोग याज्ञिक हैं, यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यह समझिए कि अब हमारा याज्ञिकत्व यानी यज्ञ करने का गुण प्रथा मात्र ही रह गया है। प्रथा समझते हैं, एक रिचुअल, उसमें हमारा कोई विश्वास नहीं, हमारी कोई श्रद्धा नहीं है। इसको सूचित करने के लिए यह है, या नहीं होना चाहिए यहाँ पे, यह है कलिम श्लोक कह रहे हैं। कितनी बार भी पढ़ो कुछ ना कुछ एरर जरूर रह जाती है, या नहीं है, यह है। इसको सूचित करने के लिए यह कलिम श्लोक कह रहे हैं। कलिम मतलब कलिम आगतम आज्ञा श्लोक कह रहे हैं। लिंक समझ में आ रहा है। मान लो सूत गोस्वामी आश्चर्य प्रकट करेंगे, आप लोगों का तो यज्ञ करने में बड़ा आपका निष्ठा थी, तो यज्ञ छोड़ करके आप कथा में इतनी निष्ठा प्रस्तुत कर रहे हैं, तुमको बड़ा आश्चर्य लगता है, ऐसे कैसे हो गए यज्ञ कथा में रुचि। तो कह रहे हैं कि वो ये मानिए कि वो सब प्रथा मात्र है, वो रिचुअल मात्र है, भाई बाह्य है, उसको हमारी यज्ञ में कोई अब श्रद्धा नहीं। कल ही आ गया, कौन सा यज्ञ चलने वाला, कुछ नहीं चलने वाला है। तो आप समझ सकते हो कि अब अगर किसी का घर, हम किसी की दुकान तो नहीं बंद करना चाहते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी की घर में कोई कार्यक्रम हो रहा है और वो यज्ञ में तो बहुत पैसे खर्च कर रहा है और भक्तों की सेवा में या नाम संकीर्तन के लिए जो व्यवस्था है उसमें नहीं कर रहा है, तो वह बुद्धिमान नहीं है। उसको समझ नहीं आया कि कली आगतम आ गया, कली आ गया है तुम्हारा यज्ञ, वो भी कुछ चलने वाला है नहीं। बहुत अच्छा ब्राह्मण भी है, भक्त को भी बुलाया आपने यज्ञ करने के लिए, लेकिन घी कहाँ से लाएंगे बताइए, संदेह तो रहेगा ना, उसमें रिफाइंड मिला है, अगर पशु की चर्बी नहीं मिलाई तो। आप देख सकते हैं कि कुछ भी चलने वाला नहीं है, वस्तु गड़बड़ है, उसके श्लोक सब गड़बड़ हो जाते हैं, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र कली को कभी नहीं हरा सकता है। तो संकीर्तन पे ही व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी आप जानते ही हो, एक तात्पर्य में लिखते हैं, जब श्री कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना हो रही थी तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि हमारे लिए हरे कृष्ण मंत्र का भक्तों के द्वारा उच्चारण ही भगवान का विग्रह की स्थापना है, लेकिन क्योंकि अन्य लोग बाह्य वृत्ति वाले हैं वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए प्रभुपाद जी ने एक खर्चीला यज्ञ वहां पे किया। इसलिए नहीं कि उनको यज्ञ में श्रद्धा थी और हरिनाम में श्रद्धा नहीं थी, जिन लोगों की यज्ञ में ही श्रद्धा है उनके उनको विश्वास दिलाने के लिए ऐसा किया। समझ रहे हैं बात, इसलिए मैंने नोट यहाँ पे रखा है, कली के प्रभाव से यह यज्ञ आदि फलीभूत नहीं होने वाले हैं, मतलब फल प्रदान करने वाले नहीं है, इसलिए उनकी यज्ञ आदि में श्रद्धा नहीं है, अपितु कथा में ही श्रद्धा है कि कथा ही उद्धार करने वाली ही, कथा ही प्रेम देने वाली। स्पष्ट समझ में आ रहा है? यस। सक्षणा अर्थात अवसर लाभ करके या आनंद के साथ। देखिए हम लोग ने श्लोक सुना था ना तत्क्षणात्, कहाँ सुना था तत्क्षणात् श्लोक हमने? चैतन्य चरितामृत में कि भगवद गीता में? हाँ ठीक है, श्लोक श्रीमद भागवतम का जो हम लोग सुने थे, धर्म महापरोजित उसके आखिरी में आया था, शुरुभि तत्क्षणात्। तो जैसे ही कोई भागवत सुनने की इच्छा करता है, तत्क्षण उसी क्षण उसी समय भगवान उसके हृदय में आ जाते हैं, एक अर्थ लिया था। और दूसरा अर्थ लिया था कि तत्क्षण, तत् मतलब भगवान और क्षण मतलब उनका आनंद, उनका उत्सव। ठीक, याद आ रहा है ना? तो उसी प्रकार से वही अर्थ दोनों आपको यहां पे लेने पड़ेंगे। एक हो गया क्षण का अर्थ सारा समय लेके, हम अब इस समय कुछ भी नहीं करने वाले, केवल भगवान की कथा सुनने वाले हैं, सक्षण क्षणों के साथ। और दूसरा अर्थ क्या है? स क्षण सत्सव स उत्सव आनंद के साथ, उत्सव के संग बड़े खुशी के संग कथा सुनना चाहते हैं। दोनों अर्थ आपको यहाँ पे ग्रहण करने होंगे। ऊपर से जा रहा है ओष्टि है या समझ में आ रहा है? क्षण नहीं समझ में आ रहा है, टाइम नहीं समझ में आ रहा है। क्षण का अर्थ हो गया, एक अर्थ है टाइम, समय, सारा समय हम देने वाले हैं, तो वहां भी उनकी उनकी खुशी प्रस्तुत हो रही है। और दूसरा क्या क्षण का अर्थ? उत्साह है, उनका आनंद है, उत्सव है उनके लिए। तो कह रहे हम बड़े उत्साह से आनंद से कथा सुनना चाहते हैं। इस प्रकार से वह सूत गोस्वामी को उत्साहित कर रहे हैं। बाल प्रबोधनी, परंतु भगवान के वीर, भगवान के वीर का मतलब भगवान के महान कर्म तो अनेक हैं, और उनके श्रवण में तो महान काल व्यतीत हो जाना अपेक्षित है। अपेक्षित मतलब एक्सपेक्टेड है, ये अपेक्षा की जाती है कि भगवान की कथा सुनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप कह रहे हो कथा सुनाइए, हम तृप्त नहीं हो रहे तो बहुत टाइम लग जाएगा।
परंतु आप तो यज्ञ आदि कर्मों में संलग्न है तो आपके पास कथा श्रवण का अवकाश कहाँ होगा, अवकाश मतलब छुट्टी समय कहाँ होगी, यदि यह शंका हो तो उस पर यह कलिम श्लोक कह रहे हैं। थोड़ा अलग तरह से लिंक बना रहे हैं लेकिन है बड़ा सुंदर लिंक। अरे भाई आप तो यज्ञ करने में व्यस्त हैं, आपके पास समय कहाँ है कथा सुनने का। आप लोग बोल रहे हो कि वयम तो ना वितृप्त्यामः, उत्तम श्लोक विक्रम है, हम भगवान की कथा सुनने से तृप्त नहीं हो रहे हैं, स्वादु स्वादु पदे पड़े, बड़ा अच्छा लग रहा है। सही बात है लेकिन भाई साहब आपको समय कहाँ है कथा सुनने के लिए, तो आपको तो यज्ञ करना है, ये करना है, वो करना है। तो इस पे वो कह रहे हैं कलिम श्लोक। अब बड़ा रोचक है टीका है, जरा देखिए आवाज आ रही है, रुक रही है, मैं नहीं रुकूंगा अब। कलयुग में मैं कर सकता हूं कि वीडियो ऑफ कर दूं तो उससे देखिएगा कि शायद ठीक है। कलयुग में गृह में स्थित विषयाविष्ट चित्त वाले, विषयाविष्ट चित्त वाले और लौकिक व्यापार में आसक्त लोगों के लिए वैदिक कर्म या कथा श्रवण आदि भगवत भजन संभव नहीं है। इस लाइन को अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। जो लोग भोगों में लगे हुए हैं, घर गृहस्थी में लगे हुए हैं और घर गृहस्थी में भी बिल्कुल भक्ति ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल विषयाशिष्ट, ये टीवी देखना है, ये काम करना है, ये भोग करना है, यहाँ होटल जाना है, सिनेमा देखना है, तो इस प्रकार के चित्त वाले जिनका मन इस प्रकार का है, जिस चित्त इस प्रकार का है कि भोग ही भोग करने हैं और केवल बस जगत के कार्य में लौकिक व्यापार समझ रहे, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे, ये करना, बस उसी में आसक्त है, तो उनके लिए तो यज्ञ करना भी दूभर है, वो यज्ञ भी नहीं कर पाएंगे और फिर भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान का जप करना, ये सब कहां उनके पास समय है, ये वो बोल रहे हैं। ये स्पेशली कलयुग में हम देखते हैं सीधे। हाँ, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी एक गांव में गए तो वहां एक व्यक्ति था, वो कुछ कुछ इस्कॉन से कनेक्टेड था, तो महाराज पूछे भजन हो रहा है भक्ति हो रही, तो बोले चाप के भजन हो रहा है बहुत अच्छा भजन हो रहा है, चाप के भजन हो रहा है। अच्छा, तो महाराज बोले मंगल आरती करते, मंगल आरती ब्रह्मचारी थोड़ा जो मंगल आरती करेगी, मंगल आरती कहाँ होती है, फिर भी चाप के भजन हो रहा है। तो कहते हैं जप करते हैं, जप देखिए सुबह काम पे जाना होता है, खेत पे जाते हैं, उसको लौट के आते हैं, फिर उसके बाद कुछ रोटी वोटी खा लेते हैं, फिर एक आध दो माला कहीं दो माला हो जाती है ऐसे करके, सोलह माला नहीं करे, नहीं सोलह माला कहाँ से कर लेंगे हम। फिर बोले महाराज भी मुझसे आनंद ले रहे थे, भागवत पढ़ते, अरे भागवत थोड़ा ना पढ़ेंगे हम, ब्रह्मचारी है क्या भागवत पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इतना कुछ करने के बाद भी उसका ये विश्वास था कि हम इस्कॉन के भक्त हैं, तो भाई कोई कहता था कथा हो रही है तो वह आकर सुनने आ जाता था, लेकिन फिर भी उनका ऐसा मतलब भावना रहती थी कि चाप के भजन हो रहा है बहुत बढ़िया भजन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो घर में घर गृहस्थी में इस प्रकार से फंसा हुआ व्यक्ति है वह भगवान की कथा में आसक्त नहीं हो पाता, उसके लिए समय ही नहीं रहता भगवान की कथा में, और फिर भी वो सोचता है कि हम चाप के भजन कर रहे। तो यही बात वो बोल रहे हैं कि कलयुग में इस प्रकार से संभव नहीं घर में फंसे व्यक्ति के लिए कोई भी यज्ञ करना या भगवान की कथा श्रवण इत्यादि करना। कली को आया हुआ जानकर दीर्घ अर्थात हजार वर्ष पर्यंत चलने वाले सत्र जिसमें विशेष यज्ञ होगा वह तो ग्रह से बाहर आने का निमित्त मात्र है। देख रहे कितना सुंदर अर्थ लिया है, ये दीर्घ सत्र का बहाना लेकर के कि भाई यज्ञ होगा कली के प्रभाव को नष्ट करेंगे, या तो हम अपने घर से निकलने के लिए किए हैं, ये मुख्य प्रयोजन नहीं था, मुख्य प्रयोजन तो कथा सुनना था, ये तो घर से बाहर निकलने के लिए हम ये बहाना किए हैं कि यज्ञ होगा ऐसे करके। हम नैमिष नामक इस वैष्णव क्षेत्र में स्थित हुए हैं जिसमें दैत्य उपद्रव की संभावना का परिहार हो जाए, परिहार मतलब नष्ट हो जाए, दैत्य उपद्रव की संभावना नष्ट हो जाए, इसलिए इस विष्णु संबंधी क्षेत्र में आसीन है। इसको समझना होगा, हम लोगों ने पहले सुना था नैमिषाक्षत्रिय वाले में श्लोक में कि जो कोई व्यक्ति नैमिषारण्य में भजन करता है उसके हृदय के जो अनर्थ रूपी दैत्य हैं वो वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जल्दी से, जैसे भगवान विष्णु ने वहां पे दैत्यों का वध किया था। ये गौरमुख नाम के ऋषि को भगवान व्यासदेव ने स्वयं कहा था, याद आ रहा है। और साथ साथ जब नैमिषारण्य में कोई यज्ञ किया जाता है तो उसे पूरे विश्व में जो असुर इत्यादि हैं उनके बल में कमी आती, तो दैत्यों का उपद्रव की संभावना का परिहार हो जाए, दैत्यों के जो शक्ति बढ़ने वाली कलयुग है उससे कलयुग में वो कम हो जाए, इसलिए हम इस विष्णु संबंधी क्षेत्र में वैष्णव क्षेत्र में हम यहाँ पे एकत्रित हुए।
किसी को याद है कि नैमिषारण को नैमिषारण क्यों कहा जाता था? प्रभु जी, इतना पुराना श्लोक थो ना याद रहेगा। ये तो 20वें स्कंद का श्लोक है ना, वहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने एक चक्र चलाया था, मनोमय चक्र, और उसकी निमि जहां पे शीर्य थे, जहां रुक गई थी, उसको नैमिषारण कहा जाता है। और दूसरा, जिनकी निमिष जो पलक भी नहीं झमकती है, वो भगवान विष्णु है, जिनका ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता है, उन भगवान ने एक असुर, बहुत सारे असुरों को हमारा था, इसलिए उसको नैमिषारण कहते हैं, भगवान का स्थान। ये अच्छी बात है। मुझे आज हंसी आ रही थी, सुबह मैंने एक जपा टॉक दिया और वो जपा टॉक मेरा पहला जपा टॉक था, ठीक है। और कि भाई, जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता है, वो चाहे सारे धर्म को ना कर पाए, किसी धर्म को ना कर पाए, केवल भगवान का नाम उच्चारण करेगा तो बड़े सुख से भगवान के धाम चला जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति सारे धर्म करे और नाम उच्चारण नहीं करेगा तो नहीं जा पाएगा। तो एक व्यक्ति बोले, प्रभु जी इसको जपा टॉक में शेयर कर दीजिए तुरंत। मैंने कहा, प्रभु जी ये मेरी पहली जपा टॉक थी जो मैंने कम से कम 2-3 महीने पहले दी थी। तो लोग एकदम भूल जाते हैं कि क्या श्लोक बोला गया। हो सकता है कल बोलूंगा तो फिर कहेंगे, अरे ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, नया श्लोक लग रहा है। नैमिषारण के बारे में मैंने पूछा तो लोग सोच रहे, प्रभु जी आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हैं लग रहा है। कोई बात नहीं, कलि मागतम आ गया, ये कलयुग है, कोई इसके लिए बड़ी बात नहीं है कि हम भूल जाए। इसलिए हरे अर्थात कलि के दोष को हरने वाली भगवत कथा के श्रवण के लिए हमारे पास पर्याप्त अवसर है। समझ में आ गया? घर छोड़ दिए हैं, लंबा सत्र का भार लेके गए हैं, इसलिए घर से अब कोई अल्टीमेटम नहीं आएगा कि बच्चे को स्कूल भेजना, आ जाइए। वैसे तो ऋषिगण थे वो लोग, उनका इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन होता है कुछ, अरे भजन ही करते रहोगे कि लड़के को स्कूल भी भेजना है, उसका पैंट शर्ट लेके आना है, ऐसा कोई अब उनके पास बहानेबाजी नहीं थी। आराम से बैठे कथा सुन रहे हैं और विष्णु संबंधी क्षेत्र में बैठे हैं, कथा का लाभ बहुत अधिक होने वाला है, कोई दैत्य उनको परेशान करने वाला नहीं है, और साथ साथ हरि की कथा सुन रहे हैं जो स्वयं ही कलि के दोष को नाश करने वाली। कलि मलापहम यशः कलि मलापहम कोवा भगवत अस्तस्य पुण्य श्लोके कर्मणा शुद्धि कामो न शुण्यात यशः कलि मलापहम। भगवान का यश तो ऐसे ही कलि कमल का नाश करने वाला है। तो कह रहे हरे शब्द से ये सूचित हो रहा है, तात्पर्य प्रभुपाद जी का, सतयुग स्वर्णयुग अथवा रजत एवं ताम्रयुग अर्थात त्रेता या द्वापर युग की भांति यह कलयुग आत्म साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? कलि मागतम आ गया या का मतलब प्रभा समझा रहे हैं कि समझो कि कलयुग आ गया है, अब यहाँ पे सुविधाएं वैसी प्राप्त नहीं है जो कि सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में प्राप्त थी लोगों को। क्या थी जरा प्रभा समझा रहे हैं? सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र वाले लोग आत्म साक्षात्कार के लिए दीर्घकालीन ध्यान करने में समर्थ थे, तो इसलिए ध्यान करना संभव था। त्रेता कृते यत ध्यायते विष्णु, ध्यान करना संभव था और उसमें लाखों लाखों साल तक, लाखों तो नहीं कह सकते लेकिन हजारों हजारों साल तक वह भजन करते थे। मैं इस पर विचार कर रहा था कि विश्वामित्र जी 60,000 साल भजन किए तब भी काम वासना हृदय से नहीं गई, तो यहाँ 2 साल भजन करने के बाद कहते हैं प्रभु जी अभी गई नहीं हृदय से वासना। अरे कम से कम 1,000 साल तो करो, 1,000 साल क्या कहना चाहते हैं आप? अच्छा मान लो अमरनाथ 500 साल बाद आपको कृष्ण प्रेम मिले तो भजन रोक देंगे आप? क्यों करना मित्र? मेक सेंस? अगर कोई आप 10-20 साल छोड़ दीजिए, अगर 500 साल और 500 साल छोड़ दीजिए, 5,000 साल में भी कृष्ण प्रेम मिल जाए तो क्या रोक देंगे भजन? असीमित सुख मिलने वाला है कि नहीं? क्या मतलब तो नहीं? अच्छा रोक देंगे तो 5,000 के पहले हो जाएगा क्या? अगर रोक देंगे भजन करना, भक्ति करना, तो ऐसा तो नहीं कि भाई रोक, भगवान कहे इसने रोक दिया है, इसको जल्दी जल्दी फल दे देते हैं, ऐसा तो होने वाला है नहीं। और ये कौन कह सकता है कि 5,000 में मिलेगा या 5 दिन में मिल जाएगा? ये तो आप कुछ भी नहीं कह सकते ना, भगवान की कृपा तो कभी भी किसी भी हो सकती है। 2 बातें हैं, एक बात आप देखोगे कि सतयुग के लोग 1,00,000 साल जीते थे और उनके पास इतना धैर्य भी होता था कि इतने साल तक भजन करें। अगर हम लोग इतना लंबा जिए भी, पहली बात जिएंगे नहीं, लेकिन पहला जिए भी तो भी धैर्य छोड़ देंगे, अरे इतना समय हो गया अभी तो 10-20 साल में भजन करते हैं, प्रभु जी 20 साल से भजन कर रहे थे, 20 साल भजन किए हो कि 1-1 घंटा भजन किए हो? ऐसा लग रहा है 20 साल से लगे ही पड़े हैं, सो ही नहीं रहे, खा ही नहीं रहे, 200 साल में भजन ही किए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे ना।
दो घंटा हम जप कर लेते हैं, कहीं अगर मान लो कोई भक्त थोड़ा सिद्ध हो गया, वो दो घंटा एक जगह बैठ के जप कर लिया तो अपने को मतलब दो घंटा एकदम उठते ही नहीं है बिल्कुल। तो ये स्थिति कलयुग का स्टैंडर्ड इतना डाउन है, तो आप देख सकते हैं कि ये सब बड़ा मुश्किल है इस प्रकार से हमारा ध्यान कर पाना। तो ध्यान तो रूल आउट हो गया, ध्यान तो कर ही नहीं सकते। तथा त्रेता युग में जब जीवन की अवधि 10,000 वर्ष की थी तो महान यज्ञों के अनुष्ठान से आत्मा साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा, यह संभव है क्या? नहीं संभव। महाराज जी बता रहे थे प्रवचन में यहीं पे कृष्ण हॉल में, महाभारत में वर्णन है कहीं पे कि इस कलयुग में कोई व्यक्ति अग्नि जला के खाना बनाते बस वही उसका यज्ञ है, और कोई यज्ञ वह नहीं कर सकता है। जैसे हमने पहले ही बोल रहे थे प्रभु जी अग्नि को आहुति देकर के यहाँ कथा सुनने आते हैं हमारे कर्ण में प्रभु, है कि नहीं? अब तो अग्नि का कोई काम नहीं है ना शाम को इस प्रकार से, और फिर भगवान को भोग लगा दे बस यही उसका सबसे बड़ा यज्ञ, और कोई यज्ञ नहीं कर पाएगा। संभव है कोई यज्ञ करना? नहीं। इसकी व्याख्या की जरूरत भी रही है, मतलब ब्राह्मण भी योग्य नहीं है और करने वाला भी योग्य नहीं, कराने वाला भी योग्य नहीं। कम से कम सस्ता वाला घी, वो 110 रुपए किलो वाला घी देना, भाई क्या हुआ? खाना बनाना नहीं, यज्ञ करना है। देखे आप, मुझे याद है एक जगह हम राम के लिए गए थे हमारे रिश्तेदार के यहाँ पे, और उनके यहाँ खिचड़ी बननी थी, तो 110 रुपए किलो वाला घी ले आए। हमने कहा ये क्या है? कहते घी। हमने कहा 110 रुपए आपको घी मिलेगा एक किलो, फिर जाकर के दूसरा कुछ अच्छे से लेकर के आई। तो ये स्थिति है, आप समझ ही सकते हो कि खिचड़ी भगवान का प्रसाद बन रहा है तो सस्ता आदमी इस तरह का घी लेके आना चाहता है, और आप देखेंगे महंगा मिलेगा तो भी, पैसा भी देंगे तो भी मान चीटिंग करेगा व्यक्ति। महाराज बोल रहे थे जगह कि पंडित जी पंडितायन को बोल रहे थे घी की क्या बात करते हो तुम, मुग्धे घृतम क्या घृतम कस्य वार्ता मुग्धे, हे मुग्धे मतलब हे मूर्ख लड़की मतलब स्त्री, तुम घी की क्या बात करती हो, तक्रे शक्रे भी दुर्लभम, तक्र मतलब मट्ठा और शक्र मतलब इंद्र, तो मट्ठा तक इंद्र को दुर्लभ हो गया, तुम घी की बात करती हो, घी कहाँ मिलेगा यहाँ पे इस समय। तक्रे शक्रे भी दुर्लभ, हम कलयुग आ गया है तब तुम अब लोग मट्ठा भी नहीं देने वाले शक्र को, शक्र मतलब समझ इंद्र को। यहाँ भी आप देखते हैं गिरिराज जी को पानी में दूध मिलाकर चढ़ाया जाता है, समझ रहे हैं इसका अर्थ। तो इस प्रकार से स्थिति है, तो वह सब द्रव्य भी बहुत द्रव्य का दोष है, यज्ञ का ज्ञान का दोष है, पूजा की सफल होने वाला नहीं। कुछ कहना चाह रहे हैं? आइए आगे आइए, इधर आके आसीना हो जाइए। हो बाप रे, इनके घर में यज्ञ हुआ, पंडित जी कहते हैं पहले मैं आचमन कर लूं, नहीं आचमन नहीं बीड़ी पी लूं उसके बाद यज्ञ करेंगे। बताइए ये स्थिति, और उसके बाद भी लोग यज्ञ कराने के लिए उत्सुक है, कितना घोर अज्ञान है। सही बात है, हमारे यादवपति लोग कहते हैं बड़ा अच्छा, और सही बात है, हम लोग जब वो करते हैं ना क्या कहते हैं गायत्री करते हैं तो आचमन कर लेते हैं, पवित्रता महसूस होती है। बताइए क्या स्थिति है, आचमन तो दूर रहा, व्यक्ति बीड़ी पी करके यज्ञ कर रहा है। प्रभु महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, पहले ब्राह्मण लोग श्रुति यानी वेद हाथ में लेके घूमते थे, अब श्रुति लेके घूमते हैं, बताइए कितनी बुरी बात है, श्रुति का श्रुति हो गया, बहुत गंदी। तो ये और अद्भुत बात यह कि लोगों की अब भी श्रद्धा है कि इस यज्ञ से कुछ हो जाएगा, क्या कह सकते हैं। तो यह भी आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं तरीका है। और द्वापर युग में जब जीवन अवधि 1,000 वर्ष की हो गई तो भगवान की पूजा द्वारा यह आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगेगा, लेकिन आप जानते हो कि मंदिर में आने का समय भी हम लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। मैंने महाराज जी से पूछा, परम पूज्य वृंदावन महाराज से, महाराज जी नित्यम का मतलब क्या है, सदा का मतलब क्या है? तो महाराज बोले सदा का अर्थ सबके लिए अलग अलग है, कोई कहेगा कि हम रोज मंगल आरती जाते हैं तो ये भी नित्यम का अर्थ है, और कोई कहेगा कि हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग रेगुलरली सप्ताह में एक बार मंगल आरती जाते, तो यह भी रेगुलर का अर्थ है। आजकल लोग लेने लगे कि सप्ताह में एक बार भगवान के सामने चले जाएं, इसको काट दीजिए फोन, तो उसको भी वह नियमित मानते हैं। तो यह सब स्थिति है, किंतु इस कलयुग में अधिकतम जीवन अवधि केवल 100 वर्ष की है, और वह भी कठिनाइयों से पूर्ण है।
अतः इसमें आत्म साक्षात्कार के लिए जिस विधि की संस्तुति की गई है वह है भगवान के पवित्र नाम, यश तथा उनकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना। एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है? दो तीन बातें समझ लीजिए। एक तो उम्र कम है, योग्यता नहीं है, और पहुंचना उसी स्टेज वही उसी पॉइंट पे है जिससे आप अन्य साधनों से अन्य युगों में पहुंचते। ये ध्यान देने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि ऐसा साधन पूछा जाए जिससे हम बीच में ही गिर जाए, पहुंच ही ना पाए। इस बात को समझेंगे तब भगवान के नाम जप और कथा श्रवण में बहुत श्रद्धा होगी। जो हजारों हजार साल भजन करके जिस डेस्टिनेशन में पहुंचते, जिस गंतव्य को प्राप्त करते, सिद्धि को प्राप्त करते, वही कलयुग में केवल भगवान के श्रवण कीर्तन के माध्यम से बहुत तेजी से प्राप्त हो जाएगी। ये समझना चाहिए। और इसके लिए अपने समय को, जैसे यहाँ सक्षण सारे अवसर सारे समय लेकर के कथा श्रवण हो रहा है भगवान का, उसी प्रकार से सारे क्षणों को लेकर कथा होनी चाहिए। उस समय कोई और कार्य नहीं होना चाहिए। समझ रहे ना मेरी बात? ऐसा नहीं था कि इनों के पास और कोई समय नहीं था, और कोई सेवा नहीं थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सेवा है भगवान के बारे में श्रवण करना। आप देखेंगे भगवान के बारे में श्रवण करने से तुरंत भगवान के प्रति प्रेम होता है। होता है कि नहीं होता? या तो आप लोग माइक पे बोलिए, नहीं तो चुप बैठिए, कुछ भक्तों को सुनाई नहीं पड़ता है, फिर कैसे चलेगा काम? यस। जैसे कि श्लोक में जो बताया गया कि जिस अन्य युग में जो जो साधन है, इस युग में सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र करके उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है, मगर जैसे हम ये समझ गया क्या कहना चाहते हैं कि क्या ये हरे कृष्ण मंत्र कलयुग में ही चलता है, अन्य युगों में चलता है, ये नहीं कह रहे हैं? नहीं, बहुत नहीं। तो जैसे मन चैतन्य चरितमृत में जो श्लोक में बताया, अनार्पितम शरीर श्रीनाथ करुणावर्तीर्ण कर लो, तो मतलब जो महाप्रभु जो प्रेम दान करने के लिए आए, क्या अन्य युग में प्रेम दान हो रहा था? अन्य युग में महाप्रभु ने गोलोक जाने का सिद्धि नहीं बताई है, वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। फिर भी अगर हम जनरल वे में बोलें कि अगर भगवान की धाम की प्राप्ति करनी है, जनरल की बात कर रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु की बात आप इसलिए नहीं कर सकते कि चैतन्य महाप्रभु हमेशा कलयुग में भी नहीं आते, हर कलयुग में भी नहीं आते, लेकिन सीधी साधारण बात की जाए कि भगवान की धाम की प्राप्ति, आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए भगवान का नाम जप कीर्तन इत्यादि, उसके अलावा कोई हमारे पास साधन नहीं है। तो कम से कम इतना तो हमारा बनता है ना कि जप के समय बात ना करें मनोज प्रभु, क्या लगता है? या जब के समय टहलते हुए कुछ बात करना अच्छा होता है, और कोई आके डांट लगाए तो मानना चाहिए ना, क्या कर रहे हो यहाँ पे? नित्य प्रभु, क्या लगता है आपको, जब के समय बढ़िया से सोना रूम में अच्छा है? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इतना तो हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए कि हम जब में सोते भी रहे, जब में हम बात भी करते रहे और सोचे हमारी प्रगति भी हो जाएगी, ये नहीं होगा। अगर होगा भी तो ऐसा नहीं होगा कि हम महसूस कर पाएंगे। अगर बढ़िया से नाम जप करते हैं, केवल शरीर और वाणी को स्थिर कर लेते हैं, अच्छे से माला कर रहे हैं, आप निश्चित प्रगति का अनुभव करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। यही एकमात्र रास्ता है भगवान के पास पहुंचने का। इतनी तो विश्वास और आग्रह होना चाहिए ना, मेरी बात समझ रहे हैं? कि इसके अलावा मेरे पास और कुछ बचा नहीं है, मैं कुछ और किसी वस्तु का आश्रय नहीं ले सकता हूं, तो ये भावना तो होनी चाहिए ना भक्ति करते समय। देखिए, मैं क्लास के माध्यम से ही ट्रेनिंग दे सकता हूं, बाकी व्यक्ति को स्वयं अप्लाई करना चाहिए कि जो बोला गया उसको मैं कैसे अपने जीवन में उतार करके भक्ति ठीक से करूं। नैमिषारण्य के ऋषियों ने यह विधि ऐसे स्थान में प्रारंभ की जो भगवत भक्तों के लिए एक के लिए ही था, वैष्णव क्षेत्र की बात कर रहे हैं। उन्होंने 1000 वर्ष की दीर्घ अवधि तक ही भगवान की लीला सुनने के लिए अपने आप को तैयार किया था। स्पष्ट है, तैयार किया मतलब अब कोई और काम नहीं करने वाले, केवल भगवान के बारे में सुनने वाले। इस पे एक बहुत अच्छा भक्त बोल रहे थे कि भोगाविष्ट विषयाविष्ट चित्त को तैयार करने में हमने कितना समय लगाया है, अनादिकाल, बिगनिंगलेस टाइम से हमने मेहनत करी है, तब हमने इतनी सिद्धि प्राप्त की है कि जहां बैठेंगे, जहां भी जाएंगे, वहां पे माया का स्मरण तुरंत हो जाता है कि नहीं? लेकिन मेहनत करिए कि नहीं की, जम के मेहनत की, तब तो सिद्धि प्राप्त की है कि जहां चाहे वहां तुरंत माया का हम स्मरण आसानी से कर सकते हैं। तो कुछ तो एक जीवन तो कम से कम कृष्ण का भजन कीजिए अच्छे से। आप देखेंगे कि बार 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 जब श्रवण कीर्तन करते हैं तो चलते फिरते भी भगवान की बातें स्मरण होने लगती हैं। तो देख लेना चाहिए ना माया के लिए कितनी मेहनत करी है, तो थोड़ी तो भगवान के लिए मेहनत करनी चाहिए।
और अभी भी हम देखेंगे कि भगवान के लिए मेहनत करने में, भक्ति करने में कितना सुख है। देखिए आज आज की घटना देख लीजिए। कल आज मुझे छठे और सातवें श्लोक पे बोलना था सुबह, तो मैं बड़ा उत्साहित था और मैंने पांचवें श्लोक को खूब तैयार किया, खूब तैयार किया। मैं सोचा था कि पांचवें और छठवें श्लोक को बोलना है, तो खूब तैयार किया, बोल नहीं पाया। लेकिन जो तैयार करने का सुख है वो छीन लेगा कोई? जो तैयार करने में आनंद हो रहा था, अरे ये अर्थ है, वो बोलूंगा, ये कह रहा हूं, वो तो कोई नहीं छीन रहा है ना। समझ रहे ना मेरी बात? तो मैं खाली बोल रहा हूं कि भगवान की भक्ति के सुख को उसको मैं अब्सॉर्ब जितना होंगे, जितने मनोयोग से करेंगे, उतना हमको सुख प्राप्त होगा, करना चाहिए। और मुक्त तो करती ही है भक्ति, उसमें कोई डाउट नहीं। इन ऋषियों के उदाहरण से हमें सीखना चाहिए कि भागवत का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। जिस प्रकार से भगवान का नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे ही श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन नियमित रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भक्त अभी कोई भूखा तो नहीं है, खाना ना खाया हो उसने? प्रेम कृष्ण भूखे हो? खा लिया। और कोई भक्त भूखे तो नहीं है? दो टाइम खा लेते ना आप लोग? कोई आप लोगों को मेहनत करके कोई बुलाता तो नहीं, भाई आज आपने खाया कि नहीं खाया? राजकुमार पूछता है, टाइम से तो हम खा लेते हैं। अगर हम एक टाइम नहीं खाते हैं तो हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना होती, आयुष कोई दिक्कत नहीं होती ना एक टाइम नहीं खाते तो? कभी कभी याद रहता है ना कि नहीं खाया है, तो एक टाइम नहीं खाते हैं तो कोई अंतर महसूस होता है अमरनाथ प्रभु की नहीं होता है? कुछ विजय प्रभु समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? एक टाइम कथा नहीं सुनेंगे तो समझ लेना चाहिए कि हम कुछ आध्यात्मिक रूप से बीमार हुए, कुछ कुछ हमारा आज का जो नरिशमेंट है, पोषण हमको नहीं प्राप्त हुआ है। नियमित रूप से इसी के लिए जी रहे हैं, ये समझना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य सारे प्रयास समय का अपव्यय मात्र हैं, क्योंकि इनसे उनसे कोई लाभप्रद परिणाम नहीं निकलता। मुझे भक्त बता रहे थे कि किस प्रकार से उनके अन्य जो रिश्तेदार हैं बहुत सारे व्रत करते थे, लेकिन वही मक्का गए, मदीना गए, बन के आए काजी, पुरानी आदत नहीं गई, रहे पाजी के पाजी। कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन वो कह रहे थे कि देखिए मेरे में बहुत सारे दुर्गुण थे, लेकिन भगवान का नाम जप करने से तुरंत परिवर्तन हो रहा था। आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि कैसे परिवर्तन हो रहा है, फिर क्यों अश्रद्धा होना? जब प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि इतना लाभ हो रहा है, फिर अश्रद्धा का क्या मतलब रहा बताइए, है ना? मुझे बहुत उत्साह हो रहा है क्योंकि भक्त ने बताया कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, एक व्यक्ति खुशी के हार्मोन ले रहा था, मैंने तो पहली बार सुना, खुश होने के लिए दवाई इंजेक्शन दे रहा था, भागवत सुना तो डॉक्टर बोल दिया अब तुमको कोई हार्मोन की जरूरत नहीं, तो खुश हो। तो इससे अपना विश्वास बनता है कि श्रीमद् भागवतम के श्रवण से वाकई लोगों का शोक मोह नष्ट होता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म की इस पद्धति का उपदेश किया और यह बतलाया कि भारत भूमि में जन्म लेने का वालों का यह दायित्व है कि वह इंजीनियरिंग के संदेशों का, प्रमुख रूप से कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के संदेश का प्रचार। मेरे में तो यही लिखा, आपको क्या लिखा हुआ है? आपको नहीं लिखा है? अच्छा, तो भारत भूमि में जन्म लेने वालों का यह दायित्व है। कौन कौन भारत में पैदा हुआ है? हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं, सभी लोग पैदा हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ब्रज में बैठे हुए हैं, ठीक है, सब लोग भक्त लोग हैं। कि भारत भूमि में जन्म लेने वालों का यह दायित्व है कि वह श्री कृष्ण के संदेशों का, प्रमुख रूप से भगवद गीता के संदेश का प्रचार प्रसार करें। पहले भगवद गीता को ठीक से समझाएं। जब कोई भगवद गीता की शिक्षाओं को ठीक से समझ जाए तो उसे चाहिए कि आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें। तो आप कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, प्रभु जी गीता तो आपने पढ़ाई नहीं। क्यों नहीं पढ़ाई है? डेढ़ साल से तो पढ़ा ही रहे थे। प्रभु जी कितनी फीस है? कोई फीस नहीं है। आप लोग हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, गीता चर्चा यथारूप सुन श्रवण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने समय में गीता पढ़ सकते हैं और यहाँ पे हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ा ही रहे। और आप देख ही रहे, कई बार मैं श्रीमद् भागवतम में और प्रभुपाद जी भी यहाँ पे आप देखेंगे तात्पर्यों में भगवद गीता के श्लोकों को उद्धृत करते हैं, है ना? भारत भूमि ते होइला जन्म मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। कि जिसका मानव भारत भूमि में जन्म हुआ है उसको अपना जन्म सार्थक करना चाहिए और दूसरों का उपकार करना चाहिए। तो लोग एक बात में पकड़ लेते हैं इसको, जन्म सार्थक कोरी। अभी बीरू जी मेरा जन्म सार्थक नहीं हुआ है इसलिए मैं उपकार कैसे करूं?
मैं उनको बोला बेटा जो तुमको प्रचार करने आया था वो भी यही सोच लेता था तुम ये श्लोक भी नहीं बोल पाते, समझ रहे ना। जो व्यक्ति हमको प्रचारित किया वो सोचता कि मैं अभी जन्म सार्थक कर लूं, भगवत प्रेम प्राप्त कर लूं, ये कर लूं वो कर लूं और तब उपकार करूंगा, तो हम भी श्लोक को नहीं समझ पाते ना। तो प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि जितना हो सके कृष्ण भक्ति में प्रगति करें और फिर कृष्ण भक्ति का हम प्रचार करें। बहुत सुंदर आदि लीला का आखिरी सातवें अध्याय का आखिरी तात्पर्य पढ़िए। प्रभुपाद बहुत सुंदर कहते हैं कि अगर इस्कॉन के भक्त, कृष्ण भावना के भक्त नियमों का पालन करते हैं, चार नियमों का पालन कर रहे हैं, 16 माला का जप कर रहे हैं, तो पूर्ववर्ती और पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ का अनुगमन कर रहे हैं, उनके उपदेशों को दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका प्रचार का कार्य फलीभूत होगा, लोग उसको स्वीकार करेंगे। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, हमें कुछ चेंज नहीं करना है, जो ज्ञान है उसको यथावत प्रस्तुत करना है और स्वयं 16 माला का जप करना है, चार नियमों का पालन करना है। और आप देखेंगे कि वाकई जादू होता है, जादू होता है, आप स्वयं कन्विंस होंगे और वाणी, आपकी वाणी सुनकर के लोग कन्विंस होंगे, और हमारी वाणी में हम अपनी बात तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, आचार्यों की बात रख रहे हैं, पूर्ववर्ती बात आचार्यों की बात रख रहे हैं, और उन्होंने इतने सुंदर शैली से बोला है कि हर व्यक्ति कन्विंस हो ही जाएगा, ये भी बड़ी सुंदर बात है। आप देख ही रहे हैं आचार्यगण कितना रसमय तरीके से श्रीमद भागवतम पीटिका लिख रहे हैं, तो कौन नहीं इसको स्वीकार करेगा, समझ रहे ना मेरी बात। ठीक है, मेरा इस पे बहुत विश्वास है श्रील प्रभुपाद जी के आचार्यों के शब्दों को कम से कम लोग सुने तो सही। मुझे पता है कि बहुत से लोग भागवत रखते हैं घर में, पढ़ेंगे नहीं, ये नहीं कह रहा हूं कि कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन काफी लोग नहीं पढ़ते हैं, तो इस बहाने कम से कम सुने तो सही, और कान में जाएगा तो वह अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रश्न नहीं है ना। ठीक है, एक श्लोक और देखेंगे, फिर हम लोग आखिरी प्रश्न है उसको हम लोग कल भगवान ने चाहा चर्चा करेंगे। अब वो यहाँ पे अपने भाग्य को प्रदर्शित कर रहे हैं कि कथा तो हम सुनना चाहते थे लेकिन सुनाएगा कौन, तो ये भगवान की कृपा ही है कि आप हमारे सामने उपस्थित हो गए, भगवान ने आपको प्रेषित किया है, आपको भेजा है, ये सेंड यू एज अ मैसेंजर, आपको हमारे पास भेजा है ताकि हम भगवान के बारे में सुन सकें। हमारी तरफ से पूरा उत्साह था, हम पूरा समय लेके बैठे हुए थे, लेकिन सोच रहे थे कथा कौन सुनाएगा, तो उसको वो बोल रहे हैं श्लोक को, देखिए आप लोग थक तो नहीं गए, आप लोगों के समय समाप्त तो नहीं हो गया, समय समाप्ति की घोषणा अभी तो नहीं हुई ना। ठीक है, कोई घंटी बजाने के लिए बाहर तो नहीं लगा हुआ, टन 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 टन। ठीक, तो इसलिए एक श्लोक और देख लेते हैं। त्वं नः संदर्शितो धात्रा, संदर्शितो धात्रा, दुस्तरं निस्तितर्शिता, कलिं सत्त्वहरं पुंसां, कर्णधारा इवार्णवम्। त्वं नः संदर्शितो धात्रा, दुस्तरं निस्तितिर्षिता, कलिं सत्त्वहरं पुंसां, कर्णधारं वर्णवम्। कहे त्वं, आप, नः मतलब हमारे पास, हमको, त्वं नः संदर्शितो, सम्यक दर्शितः, आपको देख पा रहे हैं, आपको भेजा गया है। त्वं नः संदर्शितो, हम तो ये मान रहे हैं कि आपको हमारे पास भेजा गया है। किसने भेजा है? धात्रा, देव से, भगवान की प्रेरणा से हमारे पास भेजा गया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं दुस्तरम कलिम, ये जो कलियुग है ये समुद्र की तरह है, दुस्तर है, उसको पार कर पाना असंभव है। अच्छा, लेकिन निस्तितिर्षिताम, इसको पार करने की हमारी बहुत अच्छी, बहुत इच्छा है। निस्तितिर्षिताम, बहुत ज्यादा हमारी इच्छा है कि कलयुग को हम पार कर जाएं। तो कहेंगे अरे ठीक है, अपने आप पार कर लीजिए, क्या दिक्कत है? तो कहते नहीं, कली सत्व हरम, सत्व आदि गुण, धैर्य विवेक आदि गुणों को जिसके द्वारा हम पार कर पाते वह तो कली ने छीन लिए हैं। पुंसाम मतलब उन जीवों का, उन मनुष्यों का जिनका, जो भगवान से बहिर्मुख है, जो भगवान के भक्त नहीं है, उनके जो कुछ धैर्य विवेक गुण था वो तो कली छीन लिया है, तो जीतेंगे कैसे कलयुग से?
तो इसको समझा रहे कि कैसे भेजा गया है उपमा से, कह रहे हैं दृष्टांत से, कर्णधार इवार्णवम। कर्णधार मतलब होता है नाविक। आपने सुना ना आप शब्द सुनते, आप तो हमारे जीवन के कर्णधार हैं, सुना है आपने ये शब्द? गुरु कर्ण धारण तो शास्त्र में सुना है, सामान्यतः भी आप सुनते हैं कि लोग बोलते हैं भाई साहब आप तो हमारे जीवन के कर्णधार हैं, नहीं बोलते? सुना है आपने। इव अर्णवम, अर्णव का मतलब होता है समुद्र, और इव मतलब जैसे। जैसे एक नाविक, किसी के पास नाव है लेकिन क्या नाव होने मात्र से समुद्र को पार कर जाएगा? नहीं, उसके लिए नाविक चाहिए। कथा, भगवान की कथा पार कराने वाली है लेकिन कोई कथा सुनाने वाला होना चाहिए ना। तो कह रहे हैं कि हे, और अच्छा हमारे पास भी कान है सुनने के लिए, लेकिन जो कोई कथा सुनाएगा ही नहीं तो हम कैसे पार पाएंगे? तो कह रहे हैं जिस प्रकार से एक नाविक नाव को समुद्र के पार कर देता है, उसी प्रकार से भगवान की कृपा से, हम तो जानते नहीं थे कौन कथा सुनाएगा, लेकिन भगवान की कृपा से आप उपस्थित हो गए हैं एक नाविक की तरह और हमारी नैया पार कर देंगे। समझ में आ रहा है? इस मानव शरीर को नाव से उपमा दी जाती है क्योंकि इसमें भक्ति करके हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो नाव तो रेडी है लेकिन नाविक तो होना चाहिए, नाव को सही दिशा में लेके जाए। अरे तट की जगह अगर और घोर समुद्र में ले जाए तब ऐसे कर्णधार घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? बहुत ज्यादा, बल्कि प्राय वही घूम रहे हैं। भक्त लोग घूम नहीं रहे होते भक्त लोग नहीं घूम रहे हैं और ऐसे लोग अधिक घूम रहे हैं। मुझे एक डिवोटी बता रहे थे कि ये लोग फोन करते हैं, भाई हमारे आप कथा में आए थे या क्या कथा कराना चाहते हैं, फिर से कथा कराइए, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप हमसे मिलिए। इस प्रकार से लोग बोलते हैं, तो घूम रहे हैं ना ताकि उनकी जो है मतलब थोड़ा खान पान बड़े से चल सके। तो इस प्रकार के नाविक नहीं, ये तो भगवान से दूर ले जाने वाले व्यक्ति। तो कर्णधार का मतलब है नैया को पार कराने वाला व्यक्ति। तो कह रहे कर्णधार इवार्णवम मतलब हमारी नैया को पार कराने वाले नाविक की तरह हमारे सामने उपस्थित हो गए। शब्दार्थ आप लोग देख लेना, अनुवाद हम पढ़ ले रहे हैं, समय कम है इसलिए मैं शब्दार्थ नहीं लिया, अनुवाद लेकर के समझा रहा। हम मानते हैं कि दैवी इच्छा, दैवी इच्छा मतलब भगवान की इच्छा से, दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले इस कली रूप दुर्लंघ्य सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सकें, आपको अपने लीडर के रूप में स्वीकार करें और आप हमको इस समुद्र रूपी कली, जैसे समुद्र को पार करना मुश्किल है उसी प्रकार से कलियुग के दोषों को पार करना मुश्किल है, दुस्तर है, उसको आप पार कराएंगे। बाल प्रबोधिनी, इस सत्र में वक्ता रूप सामग्री की न्यूनता भी भगवान की कृपा से संपादित हो गई, इसको श्लोक से कह रहे हैं। इनका जो लिंक के लिए जो भाषा यूज करी है, उपयोग किया है, वो बड़े सुंदर है। सामग्री समझ रहे हैं, जैसे कर्णामृत प्रभु को कुछ बनाना है, मतलब हलवा बनाना है, तो उसमें विशेष सामग्री होती है ना, चीनी चाहिए, सूजी चाहिए, पानी चाहिए, घी चाहिए इत्यादि, ये सब सामग्री है ना। मान लीजिए इसमें सूजी ना हो तो किसका हलवा बनेगा बताइए? अब पानी ना हो तो हलवा कैसे बनेगा? तो एक भी सामग्री नहीं होगी। चलो काजू के बिना तो हम बनता ही है बहुत बार, लेकिन मान लो चीनी ही नहीं हो तो हलवा नहीं बन पाएगा ना। नहीं समझ रहे हैं? तो कह रहे हैं कि सब कुछ रेडी था, हम सुनने वाले थे, हमारे पास समय था, वैष्णव क्षेत्र था, सब कुछ था, लेकिन एक सामग्री की न्यूनता थी, कमी थी। क्या थी? बोलने वाले की। तो आप आ गए, अब ये हलवा पकेगा, मतलब अब ये कथा पूर्ण होगी, इस कथा को हम सुन पाएंगे, इसलिए बड़े खुश होकर कह रहे हैं, इस श्लोक को कह रहे हैं। लिंक समझ रहे हैं आप? पुंसाम शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, अर्थात पुंसाम अर्थात भगवत विमुख लोग, इसको समझ लीजिए, शब्द को कई बार आएगा। विमुख मतलब जिसका मुख भगवान से उल्टा घुमा हुआ है, जहां भगवान है उससे पलट के। ये ध्यान देना होगा कि मंदिर में भी भगवान की तरफ अपनी पीठ कभी नहीं दिखानी चाहिए, कि भगवान के प्रति एक अपराध होता है, इसलिए भगवान के सामने हम कभी परिक्रमा नहीं करते क्योंकि भगवान के प्रति पीठ हो जाएगी। दीवार में फोटो लगे उसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान के विग्रह वहां पे मंदिर में है उधर पीठ नहीं होनी चाहिए। तो भगवत विमुख लोग मतलब जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, भगवान कथा श्रवण आदि नहीं करना चाहते, उनके बारे में बोल रहे हैं, उसको भगवत विमुख कहा जाता है। तो कह रहे हैं पुंसाम कलिम दुस्तरः,
ऐसे भगवत विमुख लोगों के लिए जो भगवान का भजन नहीं करते उनके लिए कलयुग दुस्तर है, कलयुग को पार नहीं किया जा सकता। तो कह रहे हैं पुंसाम अर्थात भगवत विमुख लोग जो विषयाविष्ट चित्त वाले हैं, विषय आविष्ट भोगों में लगे रहेंगे, ये खाना है, वो पीना है, ये छूना है, ये देखना है, इसी में उनका जीवन जा रहा है, इसे कहते हैं विषयाविष्ट चित्त वाले हैं, चित्त मतलब मन, उनके लिए ये कलयुग दुस्तर है। अर्थात भगवत भजन के बिना शास्त्रों उपाय के द्वारा भी तर्तुम अर्थात इस पर विजय प्राप्त कर पाना संभव नहीं। विजय प्रभु समझ में आया, समझ में आ रहा इसका अर्थ क्या है? कुछ भी उपाय कर लो भगवान की भक्ति के बिना वह उसको पार नहीं पा सकते, उनकी भगवत वैमुख्य भगवत विमुखता वह कभी नष्ट नहीं होने वाली, और भगवत विमुखता नष्ट नहीं होगी तो फिर एक के बाद एक जन्म प्राप्त करना स्वाभाविक सी बात है। समझ रहे हैं बात? ये पुंसाम शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि ये ऐसी स्थिति कलयुग के लोगों की है, और इसको पहले श्लोक से लिंक कर लीजिए, कलि मांगत मांग क्या आया, हम जान रहे हैं कलयुग आ गया है, लोगों की स्थिति इसी प्रकार की है, लोगों की स्थिति इसी प्रकार की है कि बिल्कुल भोगों में आविष्ट है और भगवान के भजन में कोई रुचि नहीं। निस्तितिर्षताम अर्थात इसको पार करने की इच्छा हमारी थी, इसलिए आप जैसे भगवत भक्त से कथा श्रवण के द्वारा इसको पार कराने वाले धात्रा के रूप भगवान जो अंतर्यामी है उन्होंने ही आपको भेजा है ये अनुभव संदर्शता। हम इस कलि को पार करना चाहते थे और हम ये जान रहे हैं कि भगवत कथा के द्वारा होगा, और आप हमारे सामने आ गए हैं तो ये धात्रा अर्थात भगवान की ही इच्छा है, अन्यथा आप जैसे साधु का दर्शन हो पाना भी हमारे लिए संभव नहीं था। धीरे धीरे हर भक्त को जो साधना करता है उसको समझ में आता है बात कि मैं किस स्थिति में था और अब भक्ति करके मैं किस स्थिति को प्राप्त हूं, और यह केवल भक्तों के अनुग्रह से ही हुआ है। हम में से जो कोई भी व्यक्ति भक्ति में आया है, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके किसी रिश्तेदार ने उनको भक्त बनाया होगा, प्राय ऐसे लोगों ने भक्त बनाया है जिनका हमसे हमारा से कोई खून का संबंध नहीं है, लेकिन उनकी स्वाभाविक से जीवों पे हित करने की भावना है, भक्ति कुछ भक्ति को बांटने की भावना है, इस कारण से हम लोग भक्ति में आए हैं, है कि नहीं? और इसमें भगवान का ही नियोजन है कि नहीं, आयोजन है कि नहीं तो हम लोग तो भक्ति के बारे में कुछ जानते नहीं थे, न जानना चाहते थे। ये व्यक्ति को समझना चाहिए कि भगवान की विशेष अनुकंपा ही है कि हमें भगवान के बारे में प्रमाणिक रूप से श्रवण कीर्तन करने को मिल रहा है, प्रमाणिक नाम जप करने को मिल रहा है, प्रामाणिक धाम में है, प्रमाणिक आचार्य के शरण में है। ये बहुत बड़ा भाग्य है, और ऐसा मत सोचिएगा कि ये भाग्य लोग सब समझ लेते हैं, बहुत से लोग इसको ना समझ पाकर ना समझने के कारण इस बहुत बड़े मौके को खो देते हैं, एटलीस्ट कम से कम इस जीवन में ये समझ नहीं पाते लोग। लेकिन यहाँ पे ऋषिगण समझ रहे हैं कि उनका बहुत बड़ा भाग्य है कि सूत गोस्वामी जी जो कि सीधे सुखदेव गोस्वामी से भाग को सुन के आए हैं, सोच लीजिए सीधे सुखदेव गोस्वामी के बगल में सामने बैठ करके सुन के आए हैं, उनसे भागवत श्रवण करने का मौका उनको सीधे प्राप्त हो रहा है। प्रश्न बनेगा अरे कली इतना दुस्तर क्यों है भाई, कलिग में क्या दिक्कत है? तो कह रहे हैं इसको सत्व हरम शब्द से कह रहे हैं, सत्व को हरने वाला। कली के दोष क्या हैं दिखा रहे हैं, कह रहे हैं राग, राग मतलब भौतिक आसक्ति, लोभ, लोभ समझते ही हैं, क्रोध आदि, तो इनको विवेक धैर्य आदि के द्वारा तिरस्कृत करके मतलब उनको नष्ट करके शुभ आचरण के द्वारा व्यक्ति स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है। मान लीजिए सूत गोस्वामी कहें कि अरे भाई कलयुग के दोष हैं मैं मान रहा हूं, लेकिन व्यक्ति धैर्य धारण करे, अच्छा आचरण करे तो ठीक है, राग लोभ इत्यादि सब नष्ट कर लेगा, इसमें मेरी क्या जरूरत है? समझ रहे ना मेरी बात? नहीं समझ मेरी बात? कलिम सत्व हरम, सत्व हरम करने का मतलब है कि भाई कोई मान लो सूत्र गोस्वामी कहे भाई सत्व मतलब शुद्ध शुद्ध अस्तित्व, अस्तित्व बढ़िया होना चाहिए, अस्तित्व बेसिकली, तो अस्तित्व में आपका क्या बात कर रहा था मैं, हाँ तो अस्तित्व में हमारे क्या है, राग है, लोभ है, काम है, इत्यादि जो कुछ है ये कलि के द्वारा हो रहा है, तो व्यक्ति कहे कि ठीक है भाई ऐसा करते हैं आप धैर्य धारण कीजिए, विवेक रखिए कि क्या सार वस्तु है क्या सार वस्तु है, और अपना उद्धार स्वयं कर लीजिए। तो कह रहे ना परंतु ये गुण जो धैर्य इत्यादि गुण जो कि कलयुग के दुर्गुणों को नष्ट करने वाले हैं उनको ही कलयुग नष्ट कर दे रहा है,
इसीलिए कह रहे हैं सत्व हरम। परंतु सत्व अर्थात सत्वगुण के कार्य और राग आदि के निवर्तक जो विवेक धैर्य आदि गुण है उनको ही यह कलयुग हरने वाला है। अरे भाई आप कह रहे हो धैर्य धरो, धैर्य को ही खींच लेता है कलयुग। आप कह रहे हो विवेक धारण करो, विवेक को ही खींच लेता है। विवेक है कलयुग में लोगों का? कृपा कहां छुपी है गुरु महाराज? वोडका की बोतल में छुपी, जा पी ले जा करके, और ताली बजा रहे हैं ऐसे मूर्ख गधे। और अद्भुत बात, ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है, गांव के लोग हो जो बुद्धू हो, पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं हाँ गुरु जी बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। वोडका की बार बार नहीं बोलना चाहता हूं, शराब की बोतल में कृपा छिपी हुई। हाँ हाँ कह रहे हैं कि समोसे की हरी चटनी में कृपा छिपी हुई है, तो ये तो कृपा बड़ी आसान है भाई, खूब घोटिए चबक। कृपा का मतलब भी समझ नहीं पा रहे, कृपा का मतलब क्या है? हाँ एकदम ही खराब चीज। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का कोई, लोगों का विवेक तो है ही नहीं, गुरु जी का भी कोई विवेक नहीं है ना। किसने छीना है? कलयुग ने, ठीक है। और धैर्य की तो बात आप जान रहे हैं, जहां किसी प्रोसेस में बहुत समय लगता है ना, वो हम नहीं कर सकते। हमारे प्रचार के दौरान एक बहुत अच्छा लड़का भक्त बना, बहुत अच्छी भक्ति कर रहा था, फिर उसने बोला नहीं मैं किसी रसिक संप्रदाय में दीक्षा ले लिया। उसने उनको जल्दी से रस चाहिए था, बहुत जल्दी से। हमने कहा पहले काम और क्रोध को, गंदगी को सफाई तो करो भाई, तब तो रस की बात करो। हरे कृष्ण मंत्र को छोड़ करके वो किसी और मंत्र को ग्रहण कर रहा है, बताइए कितना दुर्भाग्य। धैर्य नहीं लोगों के पास, तुरंत सब कुछ चाहिए, इंस्टेंट। तो इन सब को कलयुग हरने वाला है। तो यानी कि अपने से उद्धार करने की शक्यता शक्ति लोगों में नहीं है, इसलिए स्वयं से उद्धार संभव नहीं है, नहीं ही है यह भाव है। कोई अपने से उद्धार नहीं कर पाएगा। सूत गोस्वामी, यानी कि सूत गोस्वामी आप आए हो, कथा कह रहे हो, तो लोग आप कथा श्रवण करेंगे तो उद्धार होगा, अपने से कोई उद्धार नहीं होने वाला। सूत गोस्वामी के प्रेषण को एक दृष्टांत से कह रहे हैं। प्रेषण मतलब आ गए हैं, प्रेषित मतलब था भेजना, तो भेजा गया है, इसको एक दृष्टांत से कह रहे हैं। कर्ण धार इव, जैसे दुस्तर समुद्र को पार करने के लिए किसी के पास अंतर्यामी के द्वारा कर्ण धार अर्थात नाविक भेज दिया जाए, इस प्रकार हम लोगों को आप मिल गए, आप हम लोगों को मिल गए। एक बात समझना होगा कि ये ना सोचिएगा कि ये नाव तट पे है और नाविक लगा हुआ है, कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं आप, ये समझ लीजिएगा, कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि नाव तट पे है और नाविक आया और हमको नाविक घुमाने लेके आ रहा है, ऐसा नहीं है। Are you able to understand? The boat is not at the shore. कि चलो आज हम थोड़ा साइट सीइंग के लिए जाएं, देखें भाई थोड़ा मछली पकाए, मतलब कुछ भी, yes, nothing like that. आनंद लेने के लिए समुद्र में नहीं जा रहा है। समुद्र में फंसी हुई नैया है, और नैया बोलते हैं ना, नाव, नाव है, रास्ता नहीं दिख रहा है कि इधर जाए, कहीं डूब ना जाए, शार्क घूम रही है, हजार तरह की परेशानी है। उस समय कोई नाविक आ जाए तो भगवान की कृपा मानेंगे आप, समझ में आई बात? अरे इधर बैठे हो तट पे लगी हुई है नाव, और कोई नाविक आ जाए तो कोई बात नहीं, बहुत सारे नाविक घूमते रहते हैं। बहुत सुंदर इस दृष्टांत को समझिए, नाविक लोग समुद्र में नहीं घूम रहे हैं, नाविक तो तट पे ही लगा हुआ है, लेकिन कृपा करके अरे कोई व्यक्ति फंसा हुआ है उसके पास जाए और उसकी नाव को खींच करके दृष्टांत मतलब सॉरी दिशा दे करके तट पे लगा दे, तो भगवान की कृपा ही तो मानेंगे आप। और स्पेशली हमारी नैया तो डूब ही रही थी, ये भी नहीं कि नाव हमारी तैर रही थी बढ़िया से, वो भी नहीं है। कलयुग तो बिल्कुल अटलांटिक सागर की तरह, जिसमें खूब सारी लहरें आ रही। तो आप इस दृष्टांत को समझ सकते हैं, फंसे हैं लोग कलयुग में, और उसमें कर्णधार एक नाविक की तरह। प्रभुपाद जी एक पिक्चर भी बनाए हैं ना, भागवत है और नाव जैसा करके है, इस प्रकार से वाक्य और करें तो ये है। और हर व्यक्ति जो भागवत श्रवण कर रहा है वह अपने जीवन में आलोक का अनुभव करता है, उसे समझ में आ रहा है कि धर्म क्या है, भगवान कौन है, मैं कैसे भगवान के पास पहुंच सकता हूं, क्या ऐसा नहीं अनुभव कर रहे श्रवण करने से समझ में आता है कि नहीं? तात्पर्य, कलयुग मनुष्यों के लिए अत्यंत खतरनाक है। यह मानव जीवन तो आत्म साक्षात्कार के ही निमित्त मिला है, किंतु उस युग की
सॉरी किंतु इस युग की करालता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को पूरा भूल चुके हैं। स्पष्ट समझ में आता है, मानव जीवन लोग सोचते हैं कि अब भजन करना बुढ़ापे में और बहुत सारे कार्य करने हैं, तुमको पढ़ाई करनी है, ये करनी है, वो करनी है, लेकिन श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, एकमात्र लक्ष्य मानव जीवन का है भगवान का साक्षात्कार करना, भक्ति में प्रगति करने के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि लोग बिल्कुल उसको समझते ही नहीं। कितनी दुख की बात है कि लोग 6 बजे भी उठने में भारत अनुभव करते हैं। आप किसी को बोलो 6 बजे, 6 बजे कैसे उठेंगे, ये स्थिति है। और 4 बजे 3:30 तो बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, उस टाइम तो सोते हैं प्राय मां के सभी। इस युग में आयु क्रमशः घटती जाएगी, इसकी व्याख्या हम पहले भी कर चुके थे। एक प्रमुख कारण है आयु घटने का कि लोग सुबह उठते नहीं है, सूर्य उदित होने के बाद उठने वाले व्यक्ति को उम्र कम हो जाती है। जो कलयुग में कम जीना चाहते हैं उनके लिए विशेष संदेश है कि आप सूर्य के बाद ही उठते रहिए, कंटिन्यू कर सकते हैं। जो लोग लंबा जीना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, वह सुबह उठें उसके पहले। ठीक है प्रभु जी, हम 15 मिनट पहले उठ जाएंगे। नहीं, ये उद्देश्य नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, कम से कम 4 बजे तो जरूर उठ जाइए, है कि नहीं। और भी कारण है, स्त्रियों का असम्मान करने का कारण, और हमने क्या सीखा था, अनियमित आदतों के कारण, बहुत अधिक खाने के कारण, ये सब हम लोग की आयु कम करने वाला है। आजकल आप देखिए, पहले लोग 100 साल जीते थे, अभी कहते थे अरे 70 साल जी के मरे, वो 30 साल ऑलरेडी कम हो गया है और उसमें हमको बढ़ लगा 70 साल जी के मरे, है ना। और 40 साल में सोचने लगता है अब तो हम वृद्धावस्था को प्राप्त है, या 50 साल में ही वृद्ध होने लगे, इस प्रकार से बोलने लग जाते हैं। लोग अपनी स्मृति, कोमल भावनाएं, बल तथा उत्तम गुण खो देंगे। श्रील प्रभुपाद सत्व हरम की व्याख्या कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कलयुग में कितने लोग क्रूर हो गए हैं, कितने क्रूर हो गए, गायों पे अत्याचार कर रहे हैं, बछड़ों पे अत्याचार कर रहे हैं। बछड़े कितने प्यारे लगते हैं, आप देखिए किसी भी बछड़े की आप फोटो खींचे, कितने प्यारे लगते हैं, कितना उनके प्रति वात्सल्य किसी भी व्यक्ति का होगा, उनके प्रति वो लोग निर्मम लोग इस प्रकार से उनका अत्याचार कर रहे हैं। एकदम बल भी खो चुके और कोई भी गुण खो गए, इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं, सब समझते हैं। इस युग की विषमताओं की सूची इस ग्रंथ के 12वें स्कंद में दी गई है, वहां पढ़ सकते हो। अतः जो लोग इस जीवन को उपयोग आत्म साक्षात्कार में करना चाहते हैं उनके लिए यह युग अत्यंत दुष्कर है। तो प्रभुपाद निस्तितिरस्ताम की व्याख्या कर रहे हैं कि जो व्यक्ति चाहते हैं कि आत्म साक्षात्कार करे तो इतनी सारी कठिनाइयां हैं कि यह बड़ा कठिन लगता है। एक भक्त बोला, प्रसाद ले रहे थे, भाई 4 नियम पालन करना बड़ा मुश्किल है, ये हमारी दुर्गति कि लोग 4 नियम पालन नहीं कर पा रहे। प्रभुपाद जी से व्यक्ति ने कहा, प्रभुपाद जी मैं 4 नियम पालन कर रहा हूं, अब मैं भक्त बन गया हूं, अब मैं डिवोटी हो गया हूं। प्रभुपाद कहते नहीं, अभी तुम इंसान बने हो, डिवोटी बनने में तो बहुत टाइम लगेगा, अब तुम इंसान बने हो। 4.0 नॉट 3.5 और 3.25 और 2.35, ऐसा नहीं। मुझे याद है परम पूज्य जयपताका महाराज से एक माता जी दीक्षा लेने के लिए बांग्लादेश से आई, बहुत हंसी आती, तो बंगाली थी, स्वभाव सी बात है, तो मछली खाती होंगी, तो दीक्षा के एक दिन पहले आज फ्लाइट पकड़नी तो सुबह वो मछली खा के आई। महाराज तो सर्वज्ञ है लगता है मेरे को, तो महाराज जी बोले इसको दीक्षा नहीं दे सकते, ये भी नियम पालन नहीं कर रही है। तो उसने बोला अच्छा, मैं वो सोच रही थी कि भाई अब दीक्षा ले लूंगी, अब तो मछली खानी नहीं है, तो आज खा लेती हूँ, अब उसके बाद दोबारा मैं नहीं खाऊ। क्या मतलब सोच रहे, ऐसा व्यक्ति दीक्षा लेने के बारे में सोच भी कैसे सकता है, ऐसा व्यक्ति लोग दीक्षा लेने के लिए आ रहा है। महाराज को मालूम चल गया कि ना, मैंने सुना कि वो महाराज पेपर का पूरा बंडल रखा हुआ था, उसमें से खींच के निकाल लिया पेपर, ना इसको नहीं दीक्षा देना। ऐसा मत सोचिए कि जो शुद्ध भक्त हमको पता नहीं होता है या उनसे हम चीटिंग कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऐसी भी चेतना है लोगों की, भाई हम तो अब सब छोड़ने ही वाले हैं, तो थोड़ा भोग कर ले उसके बाद फिर आप दीक्षा लेंगे। ये एक मैंने सुना था, कोई डिवोटी दीक्षा लेने के लिए बैठे, बोले 4 नहीं, ये तो मैं प्रश्न सुना हूं, ये प्रश्न सुना भागवत क्लास में, ये 4 नियम दीक्षा के पहले पालन करने होते हैं, दीक्षा के बाद। हे भगवान। तो ये स्थिति आजकल कलयुग के लोगों की है। खैर जो भी है,
तो जो लोग आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं कितना आसान है वस्तुतः, लेकिन कलयुग का प्रेशर इतना है, इतनी गंदगी है कि चार नियम का पालन करना भी कठिन है। परम पूज्य प्रबोधानंद महाराज विनोद में कह रहे थे, अरे चार नियम का पालन तो रावण और हिरण्यकश्यप भी कर रहे थे। जब वो तपस्या कर रहे थे तो हिरण्यकश्यप भी इंद्रियतृप्ति में नहीं लगा होता, रावण तपस्या कर रहा था इंद्रियतृप्ति में नहीं लगा था, कुंभकर्ण ने भी चार नियमों का पालन किया, तो क्या मुझसे नीचे है? ये स्थिति है, लोग इसको भी बहुत मुश्किल मानते हैं। लोग इंद्रिय तृप्ति में इतने अधिक व्यस्त हैं कि वे आत्म साक्षात्कार को पूरी तरह भूल चुके हैं। इसकी देखिए हमने बाल प्रबोधन में देखा था कि नहीं, विषयावश चित्तों लोगों के लिए भजन करना एकदम दूभर है। उन्मत्तता, उन्मत्तता का मतलब है पागलपन से, उन्मत्तता से वशीभूत वे साफ साफ कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे नहीं समझते कि यह संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एकमात्र क्षण है। बहुत सुंदर, अद्भुत, बहुत गंभीर प्रभुपाद जी की लाइन। हमको लगता है ना हमारा जीवन बहुत लंबा है, प्रभु जी कट नहीं रहा, टाइम पास नहीं हो रहा है। महाराज जी पे विनोद में कहते हैं, अरे भाई टाइम पास मूंगफली, मतलब समय रुक गया है और मूंगफली खाएंगे तब टाइम बढ़ेगा। सुना ना आपने, टाइम पास मूंगफली खा लीजिए, टाइम से रुक गया है उनके लिए, भाई अब टाइम को कुछ चक्का घुमाएंगे टाइम आगे बढ़ रहा है, टाइम तो बिल्कुल प्रगति कर रहा है। परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज की बहुत सुंदर कोटेशन कि मृत्यु की तरफ तो हम सब लोग अपने आप प्रगति कर ही रहे हैं, हमें भक्ति में प्रगति के लिए प्रयास करना है। कितनी सुंदर बात है ना, मृत्यु में की तरफ प्रगति करने में तो कोई प्रयास नहीं है ना, प्रयास तो हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए चाहिए। बहुत अच्छी बात वो कह रहे थे। तो भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास लगता है, और ये मानव जीवन जो हमको प्राप्त है उस सारे प्रयासों में, उस पूरे समय में, उस पूरी यात्रा में एक क्षण है। समझ रहे हैं ना, जैसे यहां से आप साउथ इंडिया जाएंगे तो चार पांच दिन की यात्रा है, तो हर दिन यात्रा का आपका एक दिन की यात्रा जो है वो आपकी यात्रा का एक भाग है। समझ रहे हैं, और उसमें हम ट्रेन में बैठ के कोई करियर नहीं बनाते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह हो जाए इतना धन ऑब्वियसली स्वभावतः रखेगा, लेकिन अपनी बाकी शेष शक्ति को, मानव शक्ति को भगवान की भक्ति में लगाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति जितना हो सके मैं सक्षणा अपने समयों का, अपने समय का उपयोग भगवत कथा में, भगवत प्रचार में, भगवान की भक्ति में करूं। ये बात है, बहुत सुंदर लाइन है। संक्षिप्त जीवन, बहुत छोटा सा जीवन, साय से खत्म हो जाएगा। साय से मतलब समझ रहे हैं, साय मतलब जैसे हवा निकलती है ना साय से, ऐसे तुम साय से समाप्त हो जाकर देखेंगे हमारे मरने का समय हो गया। परम पूज्य राधानाथ महाराज जी के पिताजी बोल रहे थे, शायद 91 साल या 92 साल की उम्र में शरीर छोड़े थे, तो बोल रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन मात्र 10 मिनट में पूरा हो गया। और जो लोग वृद्ध हैं, गौर गोपाल प्रभु मानता तो नहीं कि आप वृद्ध हैं, लेकिन थोड़ा सा आपकी उम्र हो गई है, आपको लगता नहीं कि आपका जीवन साय से निकल गया? इज इट नॉट, एकदम से गायब हो गया। तो अन्य लोगों को भी सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि बहुत लंबा समय नहीं है हमारे पास, और उसमें भी बहुत सारे झमेले पाल लेते हैं लोग। समूची शिक्षा पद्धति इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख है। समझ में आया, जो भी शिक्षा दी जा रही किसके लिए? यहां के लिए नहीं, दिमाग के लिए नहीं, पेट के लिए, पेट पल जाए, है कि नहीं? अरे भैया पढ़ो, कुछ पढ़ लिख लो, कुछ रोजी रोटी कमा लो, यही तो बात होती है ना, क्या शिक्षा का यही उद्देश्य होता है, यही होना चाहिए? नहीं, शिक्षा का उद्देश्य है कि हम अपने को समझ पाए हमारा मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। और यदि कोई विद्वान इस पर थोड़ा भी सोचे तो वह देखेगा कि इस युग के सारे बच्चों को जान बूझ कर तथा कथित शिक्षा रूपी वधशालाओं में भेजा जा रहा है, स्लॉटर हाउस। ऐसी शिक्षा पद्धति में जाना जहां पे व्यक्ति कभी कुछ प्रश्न ही ना करे कि मैं हूं कौन, धर्म क्या है, भगवान कौन है, मैं उनके अपने संबंध को कैसे समझ सकता हूं, क्या इसको हमें कभी समझाया गया, पढ़ाया गया? कभी नहीं समझाया गया। जान, किसी को जान से मार देने के बाद उसके पास कोई चेतना नहीं रहेगी ना, उसी प्रकार की आजकल की शिक्षा पद्धति है जिसको ग्रहण करके व्यक्ति बिल्कुल अचेतन हो जाता है। कुछ इंद्रिय संयम करना है, इस बारे में कोई शिक्षा प्राप्त नहीं होती, इसीलिए प्रभुपाद भगवत कह रहे हैं। तो हमारे भक्तों ने बच्चों के लिए भी कार्यक्रम शुरू किया है, तो आप भले बच्चे को वधशाला में स्वयं फीस दे के भेज रहे हैं, लेकिन भेजना पड़ता भी है ये भी कह सकते हैं, लेकिन शाम को बच्चों को भेज सकते हैं,
भक्त लोग भगवान के बारे में कथा सुनाते हैं, नाम जप कराते हैं, तो इस तरह से भक्त लोग के बच्चे या किसी के भी बच्चे भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करके भक्ति कर सकते हैं। और छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ, एक बच्ची बोल रही थी मुझे तो गोलोक जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि वहां भगवान कृष्ण लीला कर रहे हैं, तो बचपन से मालूम चल रहा है उसे कि गोलोक है, ये है वो है, मैं भक्ति करूंगी। सब श्रवण का ही तो प्रभाव है, क्योंकि अभी दिमाग में इतना कचरा नहीं है, तो अगर भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करेंगे तो एक बार में बात समझ में आ जाती है। अतएव विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेष्ट रहना है, और यदि वे इस घोर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो नैमिषारण्य के ऋषियों के पदचिन्ह का अनुसरण करना चाहिए, और श्री सूत गोस्वामी या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि को नाव के कर्णधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। किसी को भी नाविक नहीं बना लेना चाहिए जो हमको सीधे समुद्र में गहराई में लेके चला जाए। अभी तो समुद्र में बहुत सारी भावर होती है, भावर समझते हैं, जो गोल गोल घूमती है, जिसमें उसमें घुस गए तो फिर बाहर ही नहीं आ सकते, नाविक भी डूबेगा और पीछे वाले भी डूबेंगे। जैसे महाराज बोलते हैं, लोभी गुरु और पापी चेला दोनों का नरक में ठेलम ठेला। बहुत अच्छा लगता है। लोभी गुरु क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि चेले का पैसा मुझे मिल जाए। और पापी चेला, पापी चेला क्यों? क्योंकि चेला को इंद्रिय संयम नहीं करना चाहता है। तो ऐसे गुरु को पकड़ लेता है जो लोभी हो, जो उसको इंद्रिय संयम करने के बारे में ना बताए। भाई देखो दीक्षा लेना है, ले दें, हम दे देंगे, तुम्हें एक चीज छोड़नी पड़ेगी। तो उसे करेला पसंद नहीं था, करेला छोड़ दिया उसे। किसी को लौकी पसंद नहीं थी, लौकी छोड़ दी। लेकिन ये नहीं बोलेगा कि शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, ये ऐसा नहीं छुप बोलेंगे ना, कोई बात नहीं। खाने का तो ऐसा कोई भजन पे कोई विशेष मतलब प्रभाव नहीं होता, ऐसा हम नहीं मानते कि खाने का कोई प्रभाव होता, ऐसा करके वो बोलते। तो ऐसे ही लोभी गुरुओं के चेले पापी होते हैं, और दोनों का नरक में ठेलम ठेला, दूसरा एक दूसरे को ठेलते रहते हैं, ठेला समझ रहे हैं, धक्का मारते रहते हैं, इतना भीड़ हो जाती। ऐसे गुरुओं के हमें शरण में नहीं जाना है। वह नाव श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भगवद गीता के रूप में ही भगवान श्री कृष्ण का संदेश ही है। भगवद गीता भागवत का संदेश नाव है, जिसपे आसीन होकर आरूढ़ होकर के हम लोग इस समुद्र को तर सकते हैं, कली को तर सकते हैं, लेकिन वह भगवत भक्तों के द्वारा ही श्रवण करने से समझ में आता है। कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो मैं देख ले सकता हूँ। ओके, मैं देख लेता हूँ। अगर वो जानते थे कि युग धर्म कलयुग में हरि नाम संकीर्तन है और कथा है, तो फिर वह कर्मयोग क्यों कर रहे थे पहले? आपको याद होना चाहिए, इस पे व्याख्या की गई थी कि पहले उनकी कर्मकांड में रुचि थी, यज्ञ कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने रोमहर्षण सूत से भगवान की कथा सुनी तो भगवान के प्रति वो जिज्ञासु हुए, और फिर जब सूत गोस्वामी का संग प्राप्त की तो वो शुद्ध भक्त हो गए। इसकी व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। अगर वो ऋषि थे तो वह घर क्यों छोड़े? अरे ये टीका की शैली है, वो लोग ऋषिगण हैं लेकिन कहने करते कि टीका में थोड़ा विनोद भी होता है। वो टीका की शैली है इस प्रकार से कि भी हम आप कहने करते हैं कि हमारा जो आश्रम है वहां पे भी तो किचकिच कुछ लगी रहती है, सब छोड़ करके भगवान के बारे में श्रवण करना चाहते हैं, आप कोई और काम नहीं हमारा, ये कहने करते। हाँ, तो उनकी कोई कह रहे हैं कि उनके बच्चे कच्चे तो नहीं थे। हाँ ठीक है, बच्चे कच्चे नहीं थे, लेकिन उनके और भी तो कुछ शिष्यत्यादि थे, जैसे कि शौनक आदि ऋषि जी कुलपति हैं, तो पढ़ाना है, ये करना है, अध्ययन अध्यापन में रुचि है, तो कहते हैं वो सब छोड़ करके हम केवल कृष्ण कथा श्रवण करना चाहते हैं। क्या कर, जब दान देने की सोचते हैं तो मन में 100 चिंताएं आ जाती हैं और फिर हो ही नहीं पाता है। देखिए, ये समझना होगा कि दान से हमारा शुद्धिकरण होता है, ठीक। दूसरा, दान खर्चा नहीं है, दान एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप भगवान के लिए दान देते हैं तो वे आपको मुक्त कर देगा। तो जो लोग भी कमा रहे हैं, मेरे सामने दो लोग तीन लोग तो दिख रहे हैं मेरे को कमाने वाले, उनको कम से कम अपना 10% तो अलग कर ही देना चाहिए। जैसे आपको चौथा कौन है? और चौथा वाला तो अभी गरीब है, उसका बेचारे का लोन है तो कुछ नहीं बोलूंगा। तो जैसे आप लोग GST देते हो, जो कुछ भी देते हो, टैक्स देते हो, चाहे रो के दो चाहे धो के दो, देते हैं ना, ऐसे कम से कम इतना तो अलग कर देना चाहिए कि इतना तो मुझे भगवान की सेवा में लगाना ही है, तब देंगे, नहीं तो अपने लिए तो कभी कम में पड़ेगा। बताइए, क्या आप लोग 90% सैलरी में नहीं जी सकते हैं? अब ये मत बोलना कि नहीं जी सकते, क्योंकि अभी कुछ समय पहले 50% में जी रहे थे। सैलरी कम कर दी ना 50%, तो काम तो 50% नहीं हुआ था ना, कि काम 50% हो गया था।
तो गवर्नमेंट आप या जो 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 नौकरी करने वाला है वो कह रहा है 50% में काम करोगे तो हम करेंगे, हाँ सरकार हम करेंगे, लेकिन कृष्ण को 10% भी नहीं देना चाहते। और फिर कृष्ण क्या करेंगे, मृत्यु सर्व हरश्चा, हम सब ले जाएंगे मृत्यु के समय, ये सोच लेना चाहिए। तो भगवान को देना, वैष्णव की सेवा में देना, कृष्ण भक्ति के प्रचार में देना, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। भगवान इसके प्रति बहुत कृतज्ञ रहते हैं, सारी लक्ष्मी उन्हीं की है, लेकिन भगवान की सेवा में लगाते हैं, गायों की सेवा में लगाते हैं। जैसे कहीं भी जिसमें भगवान की सेवा होती, भगवान से प्रसन्न हो, तो फिर निश्चित रूप से ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये कभी सोचना नहीं चाहिए खर्चा हो रहा है। प्रश्न कर रहे हैं कि अगर यज्ञ निरर्थक है तो शादी में यज्ञ नहीं करना चाहिए, जन्म और मृत्यु में यज्ञ नहीं करना चाहिए। उत्तर यह है कि शादी ही नहीं करनी चाहिए न रहेगी शादी, न रहेगा यज्ञ, ठीक है। नहीं, अब पता नहीं शादी कराने वाला जो है वो बीड़ी पी के कर रहा है तो पता नहीं कितना होगा। बताइए, शादी में तो मुर्गे कटते हैं आजकल, बताइए क्या यज्ञ होगा, नर बलि होती है शायद, बलि देते हैं ना, क्या करते हैं, बहुत गंदी हालत है। अब जन्म हो तो हरे कृष्णा, मरो तो भी हरे कृष्णा। हमारे तो भक्त मरते हैं तो कंधे, जब उस जीवन में भक्ति करते हुए हरि नाम ले रहा है, जब उसको यमुना जी में लेके जाते हैं तब भी हरि नाम करते हैं। तो क्या यज्ञ का औचित्य क्या कह सकते हैं? यदि हमने बहुत अच्छे से भागवत गीता नहीं पढ़ी तो क्या हमें पहले भागवत पढ़ने से पहले गीता पढ़ लेनी चाहिए? अच्छा रहेगा। और आप तो इंग्लिश समझते हैं, सुबह 8 से 9 में पढ़ा रहा हूं तो आप सुबह आ जाइएगा, ठीक है, सुबह शुरुआत से पढ़ा रहा हूं। इफ वी कैन ओनली डू श्रवण ऑफ वन देन विच मस्ट इट बी, अगर हम केवल एक का ही श्रवण कर सकते हैं तो कौन सा होना चाहिए? बेटा कितने कितने सब्जेक्ट पढ़ते हो कॉलेज में, कि यही प्रश्न आप कॉलेज के टीचर को भी कहते हो। अगर मान लीजिए मैं केवल मैथ्स पढ़ सकता हूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ सकता हूं, वहां तो नालायकी नहीं करते कि हम केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे और केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। वहां तो अंग्रेजी भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, 6-6, 7-7 सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे दो किताब पढ़ने में ना नहीं याद आ रही है, अरे कृष्ण याद आने चाहिए गीता भागवत पढ़ने से। जितना समय गीता भागवत पढ़ रहे हैं उतना समय हम लोग मृत्यु से दूर है। अभी तो मेरे रूम में तो बस थोड़े से 2-3 कपड़े हैं और बाकी सब भागवत, ये और सब खोल देना चाहिए, अलमारी बनाइए उसे खोल दीजिए तो देखिएगा, अरे चेतन चेतामी तो रह गई, अरे गोपाल चंपू भी पढ़ना है, अरे भागवत भी रह गई और वो भी रह गया। इस प्रकार से एक विशेष प्रकार का इंद्रिय तृप्ति की विषय वस्तु आपके सामने रहे, ये भी रह जा रहा है, वो भी रह जा रहा है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, बस ये पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ वाईफाई अपग्रेड कर रहे हैं वो तो, लेकिन सब वृंदावन में आराम से होता है। क्या तुलसी महारानी के प्रति हमें अपनी पीठ दिखानी चाहिए और प्रभुपाद जी के प्रति? नहीं, बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना चाहिए इस बात का, नहीं दिखाना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, दंडवत करते भी प्रयास करना चाहिए कि प्रभुपाद जी की तरफ हमारे चरण नहीं हो। जब द्वापर युग में 1000 साल की आयु थी तो पितामह इसकी मृत्यु का वरदान इच्छा, पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान होने पर भी उस युग में 450 साल अप्रोक्सीमेटली जी, ही वाज द ओल्डेस्ट पर्सन ड्यूरिंग दैट टाइम, इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं। इस प्रश्न का आपके आध्यात्मिक प्रगति से क्या मतलब है कि अगर 1000 साल की आयु थी तो 450 साल में क्यों मर गए और वो सबसे बुढ़े क्यों थे? इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं आपके लिए। प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने पूछा कि ये परीक्षित महाराज, वीडियो में पूछ रही माता जी, परीक्षित महाराज पूरे विश्व में राज्य कैसे करते थे? तो प्रभुपाद जी ने पूछा, आपको जानने की क्या जरूरत है, आप ही देखिए कि आप 16 माला कैसे कर लेंगी। तो आप ही देखिए कि हम लोग बहुत कम उम्र के हैं, भगवान का भजन करके निकल जाए यहां से। ब्रज में जन्म के लेना क्या लाभ होगा कि अगर आप भजन नहीं करोगे तो भी भगवान के धाम चले जाओगे, इसलिए आप जप मत करना। ब्रज में जन्म लेने वाला, ब्रज में दीक्षा प्राप्त करने वाला ब्रह्म और मरने वाले को भगवत प्राप्ति हो जाती। तो आप ये संदेश आपके लिए है कि आप जब ब्रज में जन्म लिए इसलिए हरे कृष्ण मत करिए, है ना? अरे भाई, जन्म लेने मात्र से जब भगवत प्राप्ति हो जाती है तो हरे कृष्ण करोगे तो कितनी प्राप्ति हो जाएगी? वैसे तो खैर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसका ब्रज में जन्म होता है, उस मान के चलिए आखिरी जन्म है, तो यहीं पर रहिए। भगवत गीता सुबह किस भाषा में समझा रहे हैं? इंग्लिश में, तो वो इंग्लिश भाषी भक्तों के लिए। ओके,
और कोई प्रश्न यहाँ पे किसी का? हरे कृष्ण। हाँ जी, ये जो श्लोक है जिसका इंटरेस्ट पूछा, बोला गया है कलयुग आने वाला है तो बोला गया है। कलयुग आ गया है, कलिम आगत माज्ञाया, कलि आ गया है, आने वाला नहीं, आ गया है। यस, जैसे भगवान चले गए हैं तो आ गया। तो सुखदेव गोस्वामी जब परिचित महाराज को बोले होंगे तो ये श्लोक आया होगा? इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, ऐसे प्रश्न करेंगे तो आप समझेगा कि डांट पड़ेगी। जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं तो ये प्रश्न आएगा कि कलिम आगतम आज्ञा है। अब बताइए श्लोक आ सकता है? ये सूत गोस्वामी से पूछ रहे शौनक आदि ऋषि, तो सुखदेव गोस्वामी से पूछेंगे परिचित महाराज प्रश्न कैसे कर लेंगे बताइए? ठीक है, कैसे पता चलेगा कि भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है? बहुत सिंपल सी बात है, खाना खाते हैं तो अन्य वस्तुओं के प्रति खाने की इच्छा समाप्त हो जाती है, तुष्टि मिलती है, पुष्टि मिलती है। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति बढ़ रही है, प्रेम बढ़ रहा है, इसका अर्थ है कि भगवान की सेवा का आग्रह बढ़ रहा है। कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण का श्रवण करना है, जप करना है, भक्ति करनी है, इसका उत्साह बढ़ रहा है। और अगर भोग में पड़ा भी है या जगत के कार्य करने भी पड़ रहा है तो उसमें हे बुद्धि है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों फंसा हुआ उसमें। ये प्रकृति का मुख्य लक्षण है, इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति और भगवान में आसक्ति, भगवान की सेवा में आ सकती, ये सब भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने के लक्षण है। क्या गीता क्लास यूट्यूब पे भी अपलोड हो रही है? यस, आप हमारे गीता क्लास एज इट इज ग्रुप जो कि इंग्लिश का है उसमें जुड़ सकते हैं, या गीता चर्चा यथारूप हिंदी में जुड़ सकते हैं, उस सब में यूट्यूब के वीडियोस का लेक्चर लिंक दिया हुआ है। हिंदी में भी श्रीमद भगवद गीता समझाने का क्या विचार है, कोई विचार है क्या? सारे विचार हम प्रस्तुत कर चुके हैं, 1.5 साल से हम लोग गीता पे ही विचार कर रहे थे। हर श्लोक को जैसे यहाँ समझा रहा है, लाइन बाय लाइन समझा दिया गया है। अब जिसको श्रवण करना है वह उसको स्वयं पढ़ना होगा। अब इस जीवन में मुझे लगता नहीं कि भगवद गीता पढ़ाने का अवकाश है मेरे पास, क्योंकि भागवतम पढ़ाने में शायद एक जीवन लग जाएगा, एटलीस्ट 20 साल तो लग जाएंगे मुझे लगता है। 26 साल पर मुझे कैलकुलेशन कर ली है कब तक जीऊंगा मैं, 26 साल तक आपको लोग भाग कहाँ पे तो कह रहे हैं चौपाटी में 26 साल लगे, तो 26 साल तक हम लोग सुनेंगे, उसके बाद आप गीता पढ़ सकते हैं मेरे साथ में। लेकिन साथ साथ अगर आप चाहें तो ग्रुप में जुड़ करके भी भगवद गीता पढ़ सकते हैं, कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा अब हम लोग प्रारण कर लेते हैं।